एंड वेलकम टू द रिविजन लेक्चर्स फॉर सी ए इंटर कॉरपोरेट एंड अदर लॉस अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डिस्कस कर लिया है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द जनरल क्लॉजेज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन एंड आई एम गोइंग टू कवर दर एक्ट इन जस्ट थ्री पेजेस इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सी ए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon so that you get notifications for all the revision videos. Also, visit my website TheoryMastersLearning.com for books, lectures, test series, and the chart book. तो चलो शुरुआत कर लेते हैं द जनरल क्लॉजेज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन की अच्छा द वेटेज ऑफ दिस एक्ट इज समवेयर अराउंड एट टू टेन मार्क्स ऑप्शन वगैरह पकड़ के बता रही हूँ कभी कम भी पूछते हैं कभी ज़्यादा पूछ लेते हैं क्वेश्चन जैसा फिक्स नहीं है टू मार्क्स थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स ऐसे रेंज में आपको क्वेश्चन आएंगे जनरल क्लॉज एक्ट एन नाइन सेवन हम सारा कुछ रिवाइज कर रहे हैं फ्रॉम द चार्टुक फॉर सी अच्छा इस चार्ट बुक की खासियत ये देखो मैं आपको जूम करके बता देती हूँ इस बुक की खासियत ये है कि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट एक ही चार्ट पढ़ सकते हो जैसे यहाँ पर देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर तो जितने भी कॉन्सेप्ट मुझे चाहिए थे मैंने एक ही वहाँ पर टेबल में लेकर डाल दिए हैं हाउ विज दिस चार्टुक द चार्ट बुक हैज अ परफोरेशन आप ये चार्ट्स के पेजेस जो हैं, वो इज़ीली टेयर कर सकते हो और अपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हो अब देखो नीचे आप पढ़ रहे हो जैसे ही ऊपर देखोगे वो प्रोविजंस आपको सामने दिखेंगे सेक्शंस आपको सामने दिखेगा वो की वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे तो बिना कुछ एफर्ट किए बस सिंपली देखते हुए आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी दिस हैज इफ़ेक्टिवली फॉर मैनी स्टूडेंट उनके इतने फीडबैक आते हैं हमें रोज़ कि मैम चार्ट बुक इतनी कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रही है कि वो देख के लॉ पढ़ने का मन कर जाता है सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाई द चार्ट बुक यू कैन विजिट माई वेबसाइट थियोरी मास्टर्स लर्निंग डॉट कॉम एंड बुक योर चार्ट बुक टूडे चलो शुरुआत करते हैं द जनरल क्लॉज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन की अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो जेनरल क्लॉजेज एक्ट है ये क्यों लाई गई है और हमारे सिलेबस में हमको क्यों पढ़ना है इसे नाउ इमेजिन कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए हो आपका फ्रेंड आपके पास आता है और बोलते है, देख ना मुझे ना ये मैं पर्टिकुलर एक्ट पढ़ रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे सेक्शन मेरे बिजनेस को अप्लाई करते हैं कि नहीं तो सीए है ना तो जरा पढ़ के मुझे बता देना ना इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स दिए हैं ना कि मैंने तो कभी सुने ही नहीं है आप वो एक्ट देखते हो आपको भी इतना कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहा वो जो वर्ड्स हैं टर्म्स हैं उसकी डेफिनेशन आप उस एक्ट में ढूंढने की कोशिश करते हो बट अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर दिया ही नहीं होता बहुत ही रेगुलर से है तो आपके फ्रेंड को लगा कि आप तो सीए हो आपको तो पता ही होगा तो वो आपके पास आ गया लेकिन आपको भी वो वर्ड्स का कोई आइडिया ही नहीं था अब कहाँ पर जाए वो वर्ड्स जब तक नहीं समझ में आएंगे तो हमें प्रोविजंस नहीं समझ में आएंगे हम उसको एडवाइस कैसे करेंगे लॉ मेकर्स जब लॉ बनाते हैं तो वो हर चीज़ एक जगह पे डिफाइन नहीं कर पाते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी वर्ड्स वो क्या क्या डिफाइन करने जाएंगे सो द वर्ड्स विच आर वेरी पैक्यूलियर टू द एक्ट जो उस एक्ट से ही रिलेटेड है वो उस एक्ट में डिफाइन कर लेते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो जनरली यूज होते हैं उस एक्ट में नहीं लेकिन बहुत सारे एक्ट्स में तो उनको लगता है यार ये किसका मीनिंग तो सबको पता ही होगा ना तो बहुत बार ऐसे होता है कि उस एक्ट में वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं दिया होता अब जब कॉमन मैन ये पढ़ता है उसे ये सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते तो इन वर्ड्स का मीनिंग कहाँ देखे आप बोलोगे मैम डिक्शनरी में देख लो हाँ लेकिन डिक्शनरी तो उसका एक बहुत ही जनरल सा मीनिंग देगा ना वो लीगल वे में तो उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा तो हमने सोचा एक ऐसी एक्ट बनाई जाए जहाँ पर ये जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो शायद आपके एक्ट में डिफाइन नहीं किए उसे डिफाइन कर देते हैं लाइक से फॉर एग्जाम्पल गुड फेथ ये तो कितना कॉमन सा वर्ड है आपने लॉ में सीए फाउंडेशन में गुड को कितनी बार पढ़ा होगा लेकिन कभी ध्यान से सोचने की कोशिश की कोशिश है 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 कि गुड exactly क्या होता है। आपका जो क्लाइंट वो जो एक्शन कर रहा है है क्या वो गुड में कि नहीं में पढ़ा होगा, वो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सीखा होगा एक्ट कमें ंग का word क्या होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या ये अब हर छोटे छोटे टर्म्स अगर हम उसी एक्ट में डिफाइन करने लगे तो एक्ट इतना बल्कि हो जाएगा ना तो लॉ ने सोचा कि यार हर हर चीज को डिफाइन अलग अलग करने से तो अच्छा है कि उसे एक ही जगह पर ले आओ तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये उन वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है जो शायद आपको वो स्पेसिफिक एक्ट में ना मिले द वर्ड जनरल मीनस कॉमन जैसे कमेंसमेंट एफ ये वर्ड पढ़ा है कंपनीज एक्ट में आपने कितनी बार पढ़ा होगा इन कॉरपोरेशन ऑफ कंपनी में तो ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स हैं जिनको शायद उनका एक्ट डिफाइन नहीं करता है तो यहां पर चले आओ क्लॉज क्या होता है अच्छा स्टूडेंट्स आपको याद है आपने जब लॉ पढ़ना शुरू किया होगा तो ये आपको जरूर बताया होगा दैट सबसे पहले हमारा जो एक्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स द चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड द सेक्शंस आर फर्दर इनटू सब सेक्शन सब फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लॉज ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्लॉज आ जाए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर सेक्शन ना के सीधा क्लॉज आ जाए अब ये क्लॉज आखिर में होता क्या है इट इज समथिंग विच इज एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन जैसे आप आंसर्स लिखते हो ना ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छे फॉर्मेट में आंसर्स लिखे होंगे पहले आप लिखते हो हेडिंग ऑफ द पॉइंट फिर उसे एक्सप्लेन करते हो तो पॉइंट ए लिखते हो उसके अंदर अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो स्मॉल वन ऐसे आप बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लिखते हो इसका मतलब है कि जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं उसको हम ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ते जाते हैं सिमिलरली ये जो चैप्टर है जिनमें सेक्शंस है उस सेक्शन में अगर हमें कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो हम करते हैं या तो सब सेक्शन से या क्लॉज से क्लॉज जनरली तब यूज किया जाता है जब वो प्रोविजन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो जैसे यहाँ पर ना मुझे पॉइंट वन एक्सप्लेन करना है फिर मुझे दूसरा एक कोई भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन का तो मैंने क्लॉज यूज कर लिया सब सेक्शन जो होता है वो सेक्शन से ही कनेक्टेड होता है तो सेक्शन से मुझे और डीप कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं सब सेक्शन में आ जाती हूँ उसमें कुछ नया एक्सप्लेन करना है तो मैं क्लॉज में चली जाती हूँ डेफिनेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस जैसे आपने पढ़ा होगा ना सेक्शन टू उसके अंदर आता है क्लॉज ए फिर क्लॉज बी क्लॉज सी अब ये जो डेफिनेशनस होती हैं इनमें हम सबसेक्शन्स ना लेकर सीधा क्लॉज क्यों ले लेते हैं बिकॉज दीज डेफिनेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती है ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं सेक्शन टू में हर डेफिनेशन अलग है इसीलिए सबसेक्शन ना यूज़ करके हम क्लॉज वर्ड यूज़ करते हैं तो ये जो एक्ट है ये हम हमें उन कॉमन डेफिनेशन दे रहा है जो शायद आपके स्पेसिफिक एक्ट में ना हो सो क्लॉज एक्चुअली होती है यहाँ पर डेफिनेशन तो इस एक्ट में आपको बहुत सारी ऐसी जनरल कॉमन सी डेफिनेशन मिलेंगी ये ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं जो एक एक्ट में नहीं लेकिन बहुत सारे एक्ट्स में आपको मिलेंगे तो ये समझ में आ गया कि जनरल क्लॉजे एक्ट क्यों लाया गया था एक और दो चीजें हो सकती हैं जैसे आज लॉ मेकर ने लॉ लॉ बनाया है तो उसके माइंड में वो वर्ड का क्या इंटरप्रिटेशन था उसकी क्या डेफिनेशन थी उन्होंने पर लिख दी और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो उन्होंने छोड़ दिए होंगे तो हमने बोला चलो यहां पर डिफाइन कर लेते हैं फिर एक और सोचने वाली बात है कि वर्ड्स को डिफाइन ही क्यों करते हैं वाई आर वर्ड्स डिफाइंड इमेजिन डायरेक्टर ओके okay, डायरेक्टर जैसा जो वर्ड है वो कंपनीज एक्ट में तो कितनी बार यूज किया होगा हमें भी कुछ अंदाजा नहीं है अगर हर जगह जहाँ पर डायरेक्टर वर्ड यूज किया है हम उसे एक्सप्लेन करने लगे तो एक्ट कितना बल्कि होगा सी वेन एवर यू यूज सम वर्ड यू हैव टू डिफाइन इट ना अब हर जगह आप उसको यूज कर लगे तो डिफाइन करने लग जाओगे एक्सप्लेन करने लग जाओगे इसीलिए लॉ बोलता है कि जगह जगह पर डिफाइन करने से तो अच्छा है कि तुम एक सेक्शन बना लो उसमें सारी डेफिनेशन लिख दो तो हर एक्ट में आपको सेक्शन टू या फिर सेक्शन थ्री डेफिनेशन का मिलेगा डेफिनेशन का यही तो एम है टू शॉर्ट एन द लैंग्वेज ऑफ लॉ शॉर्ट एन मतलब अब डायरेक्टर जैसे वर्ड को हर बार एक्सप्लेन करने से तो अच्छा है कि मैं उसे एक ही बार सेक्शन टू में डिफाइन कर दू डेफिनेशन का मतलब है कि वो वर्ड एक्ट में जहां पर भी यूज किया है उसका यही मीनिंग होने वाला है तो ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये उन वर्ड्स को एक जगह पर इसीलिए डिफाइन कर रहा है ताकि बार बार हर एक्ट में आपको वो डिफाइन करने की ज़रूरत ना हो एक ही जगह पे उसको एक्सप्लेन किया है और जितने भी एक्ट्स है उधर अगर वो वर्ड यूज किया है तो उसका यही मीनिंग हो सकता है तो द जनरल क्लाजेज एक्ट ट्राइज टू प्रोवाइड ऑल द डेफिनेशनस जो आपके रेस्पेक्टिव एक्ट्स में नहीं मिलते हैं अब ये बैकग्राउंड से लेट अस डिस्कस सबसे पहले तो कि कौन से सेक्शन इन्वॉल्व हैं यहाँ पर तो आप अगर मेरी चार्ट बुक देख लोगे तो उसमें मैंने एक पहले लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्शन नंबर्स दी है और वो किसकी बात कर वी हैव द जनरल डेफिनेशन जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम फाइव टू थर्टीन ए फोर्टीन टू नाइनटीन पावर एंड फंक्शनरी जब ये आप रिवाइज करोगे आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी रेडी है सो दिस इज़ अ टाइम सेवर एग्जाम के एक दो दिन पहले अगर आप ये जस्ट गो थ्रू कर लोगे

सबसे पहले तो कॉमनली यूज वर्ड्स आर डिफाइंड हियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जो एक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं वो जनरली एक्ट डिफाइन करता है लेकिन जो जनरल वर्ड्स होते हैं उनको लगता है यार ये तो सबको पता ही होगा ना वो शायद डिफाइन ही नहीं करते लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्ट पढ़ते हैं लेकिन उनको वो मीनिंग नहीं समझ में आता एंड वही वर्ड बहुत दूसरी जगह बहुत दूसरे एक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है तो लॉ मेकर कभी कभार ये भी सोचता है कि हर एक्ट में उसको डिफाइन करने से तो अच्छा है एक ही जगह पे डिफाइन कर दो बाकी एक्ट थोड़े लेस बल्कि हो जाएंगे इट अवॉइड रेपिटेशन देखो डेफिनेशन का यही तो एम है इमेजिन अगर कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर वर्ड को बार बार अगर वो एक्सप्लेन करे डिफाइन करे जहां पर भी यूज हो रहा है तो कितना बल्कि हो जाएगा एक्ट सो इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑलवेज हैव गिवन जनरली अंडर सेक्शन और है तो डेफिनेशन का ये एम है अच्छा अब जनरल क्लॉजेज एक्ट में उन कॉमनली यूज वर्ड्स को डिफाइन करने का एम है टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ दैट सेम वर्ड इन मेनी एक्ट अब गुड फेथ की बात कर लो एफिडेविट की बात कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट अगर गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है तो मैं हर जगह बार 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 वही सेम डेफिनेशन लिखू उससे अच्छा है कि मैं एक ही जगह पे वो डेफिनेशन लिख दूँ ऑल द डेफिनेशन आर ऐट वन प्लेस तो ये तो बेस्ट हो जाएगा वर्ड्स सारे एक जगह पर डिफाइंड हैं वो जहाँ पर भी यूज़ किए जा रहे हैं उनका मीनिंग स्टैंडर्ड ही रहेगा तो ये एक्ट में आपके सारे डेफिनेशनस आ जाएंगे ऐट वन प्लेस और सिर्फ यही एक्ट की बात क्यों करें डेफिनेशन का पर्पज़ ही ये होता है आप कोई भी एक्ट ले लो डेफिनेशन का पर्पज़ यही होता है कि एक जगह पर उन वर्ड्स को डिफाइंड करना ताकि एक्ट में जहाँ पर भी वो यूज करे उसका एक ही स्टैंडर्ड मीनिंग आए अब कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो बहुत सारे एक्ट में यूज हो तो हर एक्ट में इसको अलग अलग क्यों डिफाइन करना है एक ही जगह पर ले आते हैं कल को अगर कोई लॉ मेकर है जिसको पता नहीं है कि ये वर्ड का क्या मीनिंग होना चाहिए हमारे एक्ट में तो जनरल क्लॉजेस में रिफर कर दो ना यहाँ पर मीनिंग है ऑल्सो अगर डेफिनेशन ही नहीं होती इमेजिन देर वॉज़ नो डेफिनेशन तो हर कोई अपने वो वर्ड की अलग ही इंटरप्रिटेशन निकालता आप डायरेक्टर को एक तरीके से इंटरप्रेट करोगे दूसरा किसी और ही तरीके से इंटरप्रेट करेगा तो लॉ बोलता है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेकर आओ ताकि वो डेफिनेशन सब अपने अपने एक्ट्स में अप्लाई करें इट ऑल्सो ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी ऐसे ही तो आएगी कि वो वर्ड जहां पर भी यूज किया जाएगा उसका यही मीनिंग है सो एवरी पर्सन विल विल रीड द डेफिनेशन एंड इंटरप्रेट दैट वर्ड इन द सेम सेंस इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ यूनिफॉर्मिटी गुड फेथ जब आप इस एक्ट में पढ़ोगे और दूसरे एक्ट में अप्लाई करोगे तीसरे एक्ट में अप्लाई करोगे सब जगह उस वर्ड का एक ही मीनिंग होने वाला है देन वी हैव वॉट इज द पर्पस

ट्राई टू फाइंड द डेफिनेशन इन द एक्ट इट्सल्फ डेफिनेशन इन द एक्ट इट्सल्फ क्योंकि हर एक्ट अपने की वर्ड जो होता है जो इंपॉर्टेंट पैक्यूलियर वर्ड्स होते हैं उसे डिफाइन करता है नहीं मिलते हैं आपको बहुत सारे जनरल वर्ड्स है जो डिफाइन भी नहीं करते हैं. नहीं मिला आप जो ढूंढ रहे थे वो डेफिनेशन नहीं मिली देन स्टेप टू ये बोलता है फ नॉट फाउंड इन द एक्ट देन रिफर द जेनरल क्लॉजेस एक्ट तो आप सबसे पहले जो वर्ड है उसका मीनिंग रिस्पेक्टिव एक्ट जो एक्ट आप पढ़ रहे हो जिसमें वो वर्ड आया है उसमें ही उसकी उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो वहां नहीं मिलते है, तब जेनरल क्लॉजेस एक्ट पे आओ टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन क्योंकि ये जनरली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसकी डेफिनेशन देता है ऑफ ऑल देंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशन तो हमारे पास सेंट्रल एक्ट होते हैं स्टेट एक्ट होते हैं उसी तरह सेंट्रल जनरल क्लाजेज एक्ट है देन द जनरल क्लाजेज एक्ट ऑफ स्टेट भी है तो ये जो एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में ये सेंट्रल जनरल क्लाजेज़ एक्ट है हर स्टेट का भी जनरल क्लाजेज़ होता है वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो जो सेंट्रल एक्ट में यूज़ किए हुए टर्म्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं टू शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड टू अवॉइड रेपिटेशन आप देखोगे पॉइंट्स काफ़ी रिपीट होते जा रहे हैं टू शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ अरे डेफिनेशन यार डेफिनेशन का यही मतलब है टू शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ वही वर्ड अगर हर जगह पे आप एक्सप्लेन करने लगो डिफ़ाइन करने लगो तो लॉ बहुत ही बल्कि बहुत ही वास्ट हो जाएगा इससे अच्छा है डेफिनेशन का एक सेक्शन बनाओ उसमें सारे डेफिनेशन लिख दो पूरे एक्ट में जहां पर भी वो वर्ड यूज हुआ उधर वहां पर वो अप्लाई करना है जनरल एक्ट में से जनरल वर्ड्स को डिफाइन कर दो बहुत सारे एक्ट जहां पर वो वर्ड यूज हो रहा है वो यही डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं सो दिस हैज दिसन द लैंग्वेज ऑफ लॉयड अवॉइड रेपिटेशन टू गिव क्लैरिफिकेशन वेन वन वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट एक्ट अरे एम्बिगटी है आपसे सॉल्व नहीं हो रही है यहां पर आओ ना यहाँ पर शायद आपको हेल्प मिल जाए एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट दीज आर गाइडलाइंस दे आर नॉट सम मैथमेटिकल फार्मूला मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ जब आप मैथ सॉल्व करते हो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हो मैं आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दे दू कोई भी प्रॉब्लम आप उसे सॉल्व कर लोगे क्योंकि वो जो एक फॉर्मूला है वो हर सम में अप्लाई किया जा सकता है लेकिन लॉ ऐसा नहीं है लॉ ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सरकम ऑफ द केस अब जैसे देखो ना मर्डर है मर्डर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस बट मर्डर इन सेल्फ डिफेंस फैक्ट्स चेंज जजमेंट चेंज तो प्लीज ये जो हम आपको टीजीसी में द जनरल क्लॉजेज एक्ट में हम आपको जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो सिर्फ एक गाइडलाइन के रूप में समझना इट्स नॉट सम मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आंख बंद करके हर सिचुएशन में सेम टू सेम अप्लाई होगा तो जब हम ये एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ने के बाद आप अपने जो सिचुएशन है उनके फैक्ट्स एंड जरूर अप्लाई करना इन डेफिनेशन को आंख बंद करके नहीं यूज करना है इन डेफिनेशन को आपके कॉन्टेक्स्ट में लेकर समझकर फिर इसे यूज करना है वर्ड्स प्रोविजन प्लीज

ही मैनेजेस अ कंपनी ऐसे अगर सपोज आपको एक्सप्लेन किया जाए लेकिन जब आप यही डायरेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट या फिल्म के बारे में बात करें तो उसका डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग शायद चेंज हो सकता है तो लॉ बोलता है जब एक ही वर्ड दिया गया है उसे आप एज इट इज सब जगह अप्लाई करने की मत देखो उसका मीनिंग फैक्ट्स सर्कमस्टांसिस और कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर उसे यूज कर रहे हो अब हाउ डज इट शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है हाउ कैन दिस एक्ट शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ अब देखो अगर एक्ट में लिखा है दैट द कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट सस्पेंड रिमूव अ रिसीवर तो लॉ यार इतनी सब चीजें लिखने की क्या जरूरत थी जो अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है वही अथॉरिटी उसे रिमूव और सस्पेंड भी कर सकती है ना हर चीज उसे इतने कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है सो इफ द पर्सन हैज द पावर टू अपॉइंट वही पर्सन सस्पेंड और रिमूव भी कर सकते तो लॉ बोलता सिंपली इतना ही लिखो दैट द कोर्ट मे हैव द पावर टू अपॉइंट अ रिसीवर इट इज़ इम्प्लाइड इट इज अंडरस्टोर्ड कि आप अगर अपॉइंट कर सकते हो तो आप ही रिमूव और सस्पेंड भी कर सकते हो सो दिस इज हाउ वी हैव ट्राई टू रिड्यूस शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ करने की कोशिश की है लेकिन हर जगह पर मेरा ऑब्जर्वेशन है दे आर नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल बट ठीक है हर लॉ अपने हिसाब से बना होता है स्टेप वन मैंने लिख दिया है ट्राई टू फाइंड द रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन द एक्ट दै वो रिस्पेक्टिव एक्ट में डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करो अगर वहां पर नहीं मिलता है तो फिर आप द जनरल क्लॉजेज एक्ट में आओगे यहां पर भी जो डेफिनेशन मिली है उसको एज इट इज आग बंद करके अप्लाई नहीं करेंगे वी विल ऑल्सो अप्लाई द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस चलो अब यहां पर बिफोर वी गो टू द डेफिनेशन सीधा यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे दीज आर सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ये जो वर्ड्स हैं ये टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए इसके बाद हम फिर करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कॉमन वाली डेफिनेशन है सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिया है प्रीएम्बल इसको बार बार क्यों पढ़े हमने द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कर ही लिया था बट यस प्रियम्बल इज वन वर्ड विच इज डिफाइंड इन बोथ

to amend and consolidate the laws relating to companies. तो अगर किसी को भी doubt आ जाता है जैसे आपका friend आ गया आपके पास और पूछता है कि अरे मेरा ना proprietary business है क्या मुझे ये the companies act apply करेगा आप उसको बोले यार तेरा proprietary business है ये तो सिर्फ company को apply करता है कैसे पता चला उसके preamble में लिखा है negotiable instrument act it covers only three negotiable instruments promissory note bill of exchange and check ये कहाँ पर लिखा है preamble में लिखा है कि हमारा स्कोप इतना ही है We will not apply to other so, जब भी आपको कंफ्यूजन होती है इट इज द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ मेकर तो लॉ मेकर के माइंड में क्या था वो यहाँ पर प्रियम्बल में पता लगता है आपको इनकेस ऑफ कंफ्यूजन प्रियम्बल हेल्प टू अंडरस्टैंड मेन पर्पज ऑफ द एक्ट कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो जाती है प्रियम्बल देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्ट आपको अप्लाई करता है या नहीं और उसके स्कोप क्या है दिस इज टू बी यूज ओनली वेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर कितना अच्छा सेंटेंस दिया है यहाँ पर कि बार बार प्रियम्बल के पास मत आओ अगर आपका सेक्शन आपको क्लैरिटी देता है तो वही यूज करो हाँ अगर सेक्शन में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो प्रियम्बल की तरफ आओ प्रियम्बल नॉट ओवर द स्टैट्यूट स्टैट्यूट मतलब लॉ में कुछ लिखा है सेक्शन में कुछ लिखा है प्रियाम्बल कुछ और ही बोलता है द स्कोपल प्रोविजन ऑफ द एक्ट बी कंसिडर तो ये सारे पॉइंटर्स थे ये आपके आंसर में आने ही चाहिए कि, कितने सारे की वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं बिल ना व बिल एक्ट बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है उसे तो जो ड्राफ्ट स्टेज है उसे हम बोलते हैं बिल तो सबसे पहले एक्ट का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उस ड्राफ्ट को हम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ठीक है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं वहां पर उनका अप्रूवल लेते हैं उसके बाद में जो मिस्टर प्रेसिडेंट है ही विल अप्रूव द एक्ट तो यहाँ पर आफ्टर ऑप्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो अब बिल है वो एक्ट बन चुका है तो ये बिल इज नथिंग बट ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेचर तो ये जो ड्राफ्ट वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ लेजि प्रपोजल पुट इन अ प्रॉपर फॉर्मैट ओके सो वेन द्राफ्ट इज पुट इन फॉर्मैट

तो मुझे तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पहले तो एक ड्राफ्ट बनाओ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल करवाओ एंड देन व्हेन इट इज असेंटेड कंसेंटेड बाय द प्रेसिडेंट देन इट बिकम्स एन एक्ट ऑन गेटिंग असेंट द एक्ट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया अब ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है उसको हमने नीचे देखो डिफाइन भी किया है एक साथ ही वो पढ़ लेते हैं इंस्टेड ऑफ यू नो डूइंग इट सेपरेटली तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने दिए हैं आपको इफ़ यू सी दिस इज एंटायर पेज मैं आपको चार्ट बुक का वो पेज भी दिखा देती हूँ दिस इज एंटायर पेज जहां पर इफ़ यू नोटिस मैंने सारे डेफिनेशन एक ही पेज पे कवर कर दिए हैं सो ओवर हियर दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर दी आई बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं ऑफिशियल गैजेट क्या होता है सेक्शन थ्री क्लॉज थर्टी नाइन में अब मिस्टर प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल तो दे दिया अपना कंसेंट दे दिया लेकिन क्या आम जनता को इसके बारे में पता चला क्या आपको और मुझे पता चला कि ऐसा कोई एक्ट पास हुआ है नहीं ना तो लॉ बोलता है कि भाई बताओ ना जनता को कि तुमने ये ऐसा कोई एक्ट पास किया है तो इसीलिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ अ बुकलेट कंटेनिंग ऑल द ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पहले तो प्रिंटिंग होती थी बकायदा प्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस में प्रिंटिंग होती थी कोविड के टाइम पे तो फिर उन्होंने वो प्रिंटिंग बंद करके सब कुछ ऑनलाइन लिया जितना भी उनका लाइब्रेरी में स्टफ था सबको उन्होंने डिजिटाइज कर दिया आप जाओ गैजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वहां पर आप ऑफिशियल गैजेट की सारे अनाउंसमेंट्स देख सकते हो ऑफिशियल गैजेट का क्या मीनिंग ऑफिशियल मीन्स कि भाई ये देखो ये एकदम सोर्स से आया है लीगल है ऑथेंटिक है ये ऑफिशियल है ये ऐसे इनफॉर्मली आपको हम inform नहीं कर कर रहे रहे तरीके से आपको बताने की कोशिश हैं स्टेट होगा या होगा इट इज अ पब्लिक जर्नल तो ये देखो बुक का एम है कि आपको हम सारा कुछ पॉइंट फॉर्मेट में डाल दे बाकी एलेबोरेट तो आप कर ही लोगे ना एग्जाम में इफ़ यू डिटेल्स हमको चाहिए मैम ये आप जो पढ़ा रहे हो हमें अच्छा लग रहा है वी वॉन्ट टू स्टडी इन डिटेल देन प्लीज़ विजिट माई वेबसाइट थियोरी मास्टर्स लर्निंग डॉट कॉम वहां पर हमारे हमारे पास आपके लिए बहुत सारा स्टफ़ है वी हैव लेक्चर्स फॉर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज फॉर सी ए इंटर वी हैव बुक्स टेस्ट सीरीज चार्ट बुक कंपाइलर है तो काफ़ी कुछ मटेरियल है आपके लिए सो डू विजिट माई वेबसाइट थियोरी मास्टर्स लर्निंग डॉट कॉम एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड लेक्चर्स फॉर सी ए इंटर लॉ तो देख लेना आपको वेबसाइट पे ही जाके आपके पसंद का काम का कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिल जाएगा इट इज़ अ पब्लिक पब्लिक जर्नल ठीक है तो ये पब्लिक है क्योंकि इसमें हम सबको इन्फॉर्म करते हैं ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट है ऑथराइज है लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वीकली पब्लिश किया जाता था इट कंटेन्स ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑथेंटिक है एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी मैंने सारे की वर्ड्स ऑफ डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिए डेफिनेशन बहुत बार स्टूडेंट्स को याद नहीं होती की वर्ड्स भी अगर लिख लिए ना आपने तो भी सफिशियंट है तो चलो लर्न कर लेते हैं इसको so, लर्न कैसे करोगे इट मीन द गैजेट ऑफ इंडिया और द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट इट इज अः मेरे साथ बोलते रहो याद हो जाएगा इट इज अ पब्लिक जर्नल तो यहाँ पर वर्ड है पब्लिक

दे आर जनरली इंक्लूडेड इन आइदर सेक्शन टू और समटाइम्स सेक्शन थ्री ऑफ द एक्ट डेफिनेशन का मेन एम क्या है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ बार बार उसी चीज को एक्सप्लेन और डिफाइन करने के बदले हम एक ही जगह पर उसे डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि कंपनीज एक्ट में आपके पास कितने सारे डेफिनेशन है क्योंकि है भी इतना वास्ट सो द टर्म रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर स्मॉल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ये सब कुछ पहले डिफाइन किया हुआ है सेक्शन टू में एक्ट में जहां पर भी उसका मेंशन किया होगा उसका यही एक मीनिंग है नहीं मिल रहा है आपको मीनिंग आओ ना जनरल क्लॉजेस में ढूंढ लो शायद यहां पर कुछ मिल जाए द ऑब्जेक्ट इज टू यू कैन हाईलाइट अवॉइड फ्रीक्वेंट रेपिटेशन इन डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट मैटर बार बार मुझे वो टर्म डिफाइन करने की जरूरत नहीं एक ही जगह पर डिफाइन कर दिया है डिफाइंड इन द रिस्पेक्ट एक्ट तो मैं आपको शुरू से यही बोलती आ रही हूँ पहले आप अपने रिस्पेेक्टिव एक्ट में वो वर्ड का डेफिनेशन ढूंढो नहीं मिलता है दे आर नॉट डिफाइंड देन सच वर्ड्स कैन बी टेकन फ्रॉम द जनरल क्लॉजेस एक्ट सीक्वेंस इज गोइंग टू रिमेन द सेम मीन्स एंड इंक्लूड्स एंड और इंक्लूडिंग बहुत कुछ आ गया मैम यहाँ पर अच्छा मीन्स एंड या और इंक्लूड ठीक है तो यहाँ पर एंड एंड और वर्ड को हम नहीं पढ़ रहे मीन्स एंड इंक्लूड्स या फिर मीन्स और इंक्लूड्स ऐसा लिया है मीनिंग क्या होता है जैसे बहुत बार ना डेफिनेशन में आपको मिलेगा दैट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर इंक्लूड्स तो अगर आपको मीन्स वर्ड दिया है या इंक्लूड्स वर्ड दिया है तो उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है द वर्ड मीन्स शोज द एग्जैक्ट एंड क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म जैसे कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ तो जब मींस वर्ड दिया होता है इसका मतलब है कि वो एक्चुअली उस टर्म को डिफाइन कर रहा है क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्योंकि उसमें काफी कुछ एक ही साथ कवर हो जाते कोई ऐसे एंबिगुइटी की या कुछ और ऐड करने की स्कोप नहीं होती है लेकिन जब हम इंक्लूड वर्ड यूज करते हैं इट इज इंक्लूसिव इन नेचर तो जैसे बोलते हैं डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट तो जब इंक्लूड्स वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब है कि ये तो सब इंक्लूडेड है इसके अलावा भी कुछ और इंक्लूड किया जा सकता है तो वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन इट इज ओनली प्राइमा फेस ही एक्सटेंसिव क्योंकि इसमें और भी कुछ डालने का स्कोप है इट डज नॉट क्लियरली डिफाइन द वर्ड वो सिर्फ इंक्लूड कर देता है कि ये 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 सब एवेंचरी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है इसके अलावा भी और देख लो कुछ एनी एनी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग वो भी इधर आ सकता है देन वी हैव शाल एंड मे अरे मैम ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्स में भी था तो अभी हमें कैसे पता कि क्या लिखना है दिया होगा ना आपके एग्जाम में दे विल स्पेसिफाई कौन से एक्ट में और नहीं भी है ना तो भी कॉमन ही है इनका जो इंटरप्रिटेशन है इट्स कॉमन शाल इन ऑफ समथिंग है It an अच्छा। मैं आपको एक मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता दू जो मेरे आर्टिकलशिप में हुआ था पहले ये पढ़ लेते हैं इट इज यूज टू कनोट समथिंग विच इज नॉट मैंडेटरी इट्स ओनली डायरेक्टिंग एनेबलिंग दैट इज गिविंग ऑप्शन इट कन्फर्स डिस्क्रिप्शनरी पावर्स तो ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अभी सुनो वेन आई स्टार्टेड माई आर्टिकल शिप तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता था कि आर्टिकलशिप में भी मुझे ही बोलते थे रिपोर्ट बनाने के लिए और जब मैंने जॉब लिया तभी भी मुझे ही मेरा सीनियर बताते थे तू रिपोर्ट बना फिर वो हम एडिट करेंगे एंड बनाना इज वेरी डिफिकल्टिकॉज यू नो यू हैव टू फर्स्ट ड्राफ्ट एवरी थिंग प्रॉपरली इन यूर माइंड पहले नोट्स आपके पक्के होने चाहिए फिर उसमें से क्या रिपोर्ट में लिखना है फिर सीनियर होता था, था ये चेंज कर वो चेंज कर ऐसा कर इसको बेटर कर सकते हैं उनका काम कितना ईजी हो जाता है कभी कभी मुझे लगता था फिर तो जब मैं सीनियर बनी तो मैं भी वही करने लगी अच्छा लिविंग ऑल दैट जब रिपोर्ट मैंने पहली बार बनाई तो मैंने लिख दिया द मैनेजमेंट शुड द हेड शुड तो जब मेरे सीनियर ने वो पढ़ा तो मुझे इधर बुलाया इधर आओ ये शुड शुड वर्ड मतलब क्या लिखा मैंने बोला हाँ यू शुड डू दिस ऐसा मैंने लिखा है वहां पर ऐसा करना चाहिए उन्हें बोलते तुम आर्टिकल हो और तुम बोल रहे हो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये करना है शुड मतलब आप उसको ऑर्डर दे रहे हो मैंने बोला नहीं शुड ऐसे ही मैंने लिखा है वहां पर बोलते शुड नहीं लिखना है शाल लिखना है तो शाल जो होता है ना वो शुड का एक पोलाइट वर्जन होता है मतलब यहाँ पर हम उसे बोलते रहे ये काम करना है लेकिन थोड़ा पोलाइटली बोल रहे अगर मैं आपको बोलू यू शुड डू दिस मतलब मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ बी डन बाई यू मतलब आपको करना तो है सिर्फ मैं पोलाइटली बोल रही हूँ अच्छा मे तो पूरा डिस्क्रिशनरी है यू मे डू दिस दीज डॉक्यूमेंट्स मे बी साइंड बाय द की मैनेजीरियल पर्सनल और द डायरेक्टर और ऑफिसर तो जो शाल वर्ड है वो मैंडेटरी है इम्पेरेटिव है मतलब तो करना ही है आपको सिर्फ पोलाइटली वर्ड बोल रहे हैं हम इट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू एज मे इज़ ओनली डायरेक्टिंग इट इज़ एनेबलिंग इट इज डिस्क्रिप्शनरी आप पे छोड़ा है करना तो अगर हम तो सजेशन दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट

अब लिखने में भी हमें समझ में नहीं आता क्या लिखे तो ऐसा हो जाता है कि आप पूरा का पूरा मॉड्यूल ही एंड अप कर देते हो टॉपिंग नहीं करना है ये जो मैंने वर्ड्स दिए हैं इतना एटलीस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करो डेफिनेशन याद हो जाएगी सो राइट एंड प्रैक्टिस राइट एंड प्रैक्टिस ये जो वर्ड्स है ये लिख लो बस इतना लिखोगे ना तो भी काफी है सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एक्ट देखो एक्ट जब भी आप सुनते हो ना तो उसका दो मीनिंग हो सकता है एक तो वो एक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हो जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट देन यू हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक तो वो एक्ट की बात होती है और दूसरा होता है एक्शन तो यहां पर जो एक्ट की डेफिनेशन है वो एक्शन है नाउ एक्शन कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं ये उस एक्शन अनफेवरेबल एक्शन उसकी बात हो रही है तो आपको सीक्वेंस मिला So we are talking about act, that is action. भी हो सकता है अनफेवरेबल भी हो सकता है ये उस अनफेवरेबल नेगेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं एक्ट इज यूज विध रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रोंग अब ऑफेंस जो है वो जनरली क्रिमिनल है सिविल रोंग मतलब वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी इट इज जस्ट की डैमेजेस देकर आपका काम हो जाता है क्रिमिनल जनरली वो होता है विच अ जनरली मेनी पीपल एंड सिविल रॉन्ग वो होता है विच जनरली अफेक्ट्स अ सिलेक्टेड ग्रुप और सिलेक्टेड पर्सन ओके एक सिलेक्टेड पर्सन uh, uh, या उसके ग्रुप को ही वो अफेक्ट करता है क्रिमिनल का वैसा नेचर नहीं रहता एक्ट शल ऑल्सो इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स वर्ड्स एक्ट डन तो वर्ड्स मतलब कोई जनरल वर्ड्स की बात नहीं हो रही है वही वर्ड्स जो उस एक्ट से रिलेटेड है उस एक्शन से रिलेटेड है उन्हीं की बात हो रही है एक एक्ट अगर होगा तो भी यहाँ पर कवर्ड है और अगर सीरीज ऑफ एक्ट होते हैं तो भी यहाँ पर कवर है आई गिव यू एन एग्जाम्पल शॉर्टली इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इ लीगल ओमेशन निस्टर एक्स ने किसी को किडनेप कर लिया अब वो किडनेप करना एक नेगेटिव एक्शन होगा अब किडनैप तो किया लेकिन उसे टॉर्चर भी किया उसे मारा इट बिकम्स अ सीरीज ऑफ एक्ट्स ओमिशन में आपने खाना ही नहीं दिया पानी नहीं दिया सो ऑल दैट इज ओमिशन तो आप उस नेगेटिव एक्ट से रिलेटेड एक्ट करो एक सीरीज करो बहुत सारे एक्ट या ओमिशन करो इट इज कवर्ड ह्य आर टू रिमेंबर नाउ द डेफिनेशन टॉक्स अबाउट एक्शन या फिर कंडक्ट जनरली नेगेटिव वाला क्योंकि ऑफेंस वर्ड सिविल रोंग ऐसे सब वर्ड्स यूज किए हैं वहाँ पर सिंगल एक्ट भी आ सकता है सीरीज ऑफ एक्ट भी आ सकते हैं वर्ड्स भी आते हैं लेकिन इन्हीं एक्ट से रिलेटेड दिस कवर्स ओमिशन्स ऑल्सो लेकिन सिर्फ इन लीगल क्योंकि हम तो सिर्फ नेगेटिविटी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्ट्स है उनको उन पे कोई तो केस भी नहीं होगा तो उन्हें डिफाइन करके क्या करें इट अप्लाइज टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रोंग क्योंकि वहां पर ऊपर सिविल रोंग ऑफेंस ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं तो अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिख देना बट दीज आर अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर बिकॉज दे विल सपोर्ट योर आंसर क्योंकि कभी कभार आपको इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक्ट है फिर वो केस बेस्ड में उसको अप्लाई करना है तो ये पॉइंटर्स आपको याद रहेंगे याद रखें एक्शन कंडक्ट सीरीज ऑफ एक्ट सिंगल एक्ट सब कुछ इधर आ जाएगा नेक्स्ट वी हैव द मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिडेविट एफिडेविट क्या होता है अभी देखो ना स्कूल में आपको अगर याद होगा आपका फ्रेंड बोलता था अरे यार मैं पक्का तेरी बुक कल लेकर आऊंगा आज भूल गया लिख के दे लिख के दे तू ये काम करेगा हम मजाक में बोलते थे कि नहीं तू लिख के दे अरे मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है लिख के दे ये लिख के देना इज नथिंग बट एफिडेविट क्या बात है तभी हम लोग ये सब करते थे पता ही नहीं चलता था तो एफिडेविट मतलब इट इज सेल्फ डिक्लेरेशन कि हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं ये काम करूंगी मैं उसको लिख के देने को तैयार हूँ तो इट विल इंक्लूड अफर्मेशन अफर्मेशन मतलब कंफर्म कर रही हूँ ना इट इज अ डेक्लेन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ हु आर अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर ऑफ अब आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि इंडिया में स्वेयर ओथ इन एफिडेविट इन सबका सेम ही मीनिंग होता है तो जो पर्सन अलाउड है अलाउड मीन्स ऐसे ही एक चार साल के बच्चे ने वहां पर चार बहुत ज्यादा कम हो गया ना छे साल के बच्चे ने लिख दिया ओके आई विल ब्रिंग योर पेन टू मोरू वो एक एफिडेविट नहीं माना जाएगा बट पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जैसे 18 इयर्स का है साउंड माइंड का है वो अगर लिख के देता है वो डिक्लेयर करता है अरे जो मैंने लिखा है वो सही है मैं लिख के साइन करके देने को तैयार हूं दैट इज नोन एज एफिडेविट इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन it is exhaustive or general in nature it does not define affidavit it only says that it shall include ये include वर्ड पर ध्यान दो ये देखो ये डिफाइन नहीं करे वो इंक्लूड करे बिकॉज बहुत तरीकों से आप अपनी अफर्मेशन या कन्फर्मेशन दे सकते हो इट इज़ अ रिटर्न स्टेटमेंट ये रिटर्न स्टेटमेंट को मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है बिकॉज ओरली अगर आप बोलते हो तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा लेकिन वो एफिडेविट नहीं बनेगा फॉर एफिडेविट इट हैज टू बी इन राइटिंग इट इज कन्फर्म बाय ओथ और अफर्मेशन ओथ क्या होती है हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे दैट इज एन ओथ या फिर आप बोल सकते हो कि नहीं हमने ये प्रण किया है हमने ये सोचा है कि हम यही काम करेंगे हमने ओथ ली है तो इन दैट केस आप जब खुद कंफर्म करनी बोलते हो नहीं जो हम बोल रहे हैं वो सच है हम ऐसा ही करेंगे या फिर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं उसमें जो लिखा है वो सच है वो करेक्ट है यू टू दैट इज नोन एज एन एफिडेविट अभी आपको मैं एक पर्सनल दे देती मेरे पेरेंट्स गए थे पासपोर्ट के लिए अब उन्हें मैरिज प्रूफ देना था उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट था नहीं क्योंकि वो जमाने में मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह का मुझे नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट था आजकल का यूथ तो फिर ठीक है जैसे ही मैरिज होगी उसको आप रजिस्टर करके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हो वहां पर कहाँ पे रहेगा सो नाउ माई मॉम हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच वर इन अर्लियर नेम अब उन, उ, उन, उनके पास मैरिज प्रूफ तो था कार्ड फोटोग्राफ्स थे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं था कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नहीं था तो एक एफिडेविट एफिडेविट मंगवाया गया कि आप पे लिखो कि आप आप पे लिखो कितने साल से शादी uh, कितने साल हो गए आपकी शादी को आप उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करो जैसे आपका मैरिज कार्ड फोटोग्राफ्स एक सेल्फ डिक्लेरेशन दो कि हाँ हम इतने साल से हमारी मैरिज हो गई है वी आर लिविंग टुगेदर दैट सेल्फ डिक्लेरेशन इज नोन एज एफिडेविट तो उसके बेसिस पे फिर उनको पासपोर्ट मिल गया उनके न्यू नेम पे दैट इज After marriage वाला जो नाम था, क्योंकि में है वो बंदा पर कर कर रहा है, affirm कर रहा है, है, so स्वेर in aff बोलो, बोलो, बोलो उनको उनका मीनिंग सेम है पर पता नहीं क्यों अलग से डिफाइन किया गया है क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, है, काम सब में एक ही हो रहा है

रूल भले ही इंडिया को करते थे लेकिन उनका जो प्रेजेंस था वो मेन मेन प्लेसेस पर ही था जैसे मुंबई मुंबई तो अभी है बॉम्बे हो गया मद्रास हो गया दिल्ली हो गया आगरा हो गया तो वहां पर उनका प्रेजेंस था तो ये उनकी पॉलिटीज थी उन पॉलिटीज में जो उनका रूल था दैट इज नोन एज द डोमिनियन ओके तो इट शैल इंक्लूड एक्ट ऑफ द डोमिनियन और इंडियन लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर का मीनिंग होता है द लॉ मेकिंग अथॉरिटी इट आल्सो इंक्लूड्स द एक्ट लॉ मेकिंग कैपेसिटी तो आप लॉज बना रहे हो फॉलोड बाय दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपका आ, आ, वो जो प्रोविंस बोल रो या डोमिनियन बोल रो गवर्नर जनरल क्या होता है दे आर रेप्रजेंटेटिव ऑफ द किंग तो क्या होता था कि जो मेन मेन प्लेसेस थे वहां पर ब्रिटिशर्स के अपने ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे कि कैसे यहाँ पर रूल होगा और जो बाकी के छोटे छोटे प्लेसेस थे इंडिया तो बहुत वास्ट है तो जो छोटी छोटी जगहें थी वहाँ पर ब्रिटिशर्स वुड कंट्रोल द किंग क्योंकि किंग फिर आगे कंट्रोल कर देते थे तो उनकी किंग के साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आएंगे लेकिन तुम यहाँ पर हम जो बोलेंगे वैसे रूल करोगे तुम तुम्हारा जो रेवेन्यू है हमारे साथ शेयर करोगे सो दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग वॉज नोन एज द गवर्नर जनरल ऑल दिस इज़ बिफ़ोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी 1950 इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो इट मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपके लिए सारे की वर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं इट मीनस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट शल इंक्लूड एक्ट ऑफ डोमिनियन और इंडियन लेजिस्लेचर ब्रेक कर दिया है डेफिनेशन को ताकि आप उसे ऐसे ही फॉर्मेट में याद कर सको इट इज एन एक्ट पास बाय द गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी ऑल दिस इज हैपनिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स टू बी नोटेड भी लिखा है डोमिनियन लेजिसलेचर मीन्स लॉज मेड बिटवी द पीरियड फिफ्टी ऑगस्ट नाइनटीन फोटी सेवन जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है टिल ट्वेंटी सिक्स जान तो आप ये वाला पॉइंट रिफ़र करो यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन से लेकर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर डोमिनियन है एंड ट्वेंटी सिक्स जनवरी के ऑनवर्ड जो हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो ये जो सेंट्रल एक्ट की बात कर रहे हैं दैट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वर्ड ही बोलता है कि इट कवर्स दायर इंडिया इन रिलेशन टू एनी थिंग डन आप हाईलाइट करोगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अभी ये जो डेफिनेशन है ये आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगी बट ऐसे ब्रेक करके नहीं होगी इन रिलेशन टू एनी थिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कांस्टिट्यूशन ठीक है तो ये बिफोर की बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल इट शॉल इंक्लूड प्रोवेंशियल गवर्नमेंट एंड द चीफ कमिश्नर तो अगर हम बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग आ जाएंगे उन्हें गवर्नर जनरल बोलो या गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोलो कुछ चार पांच प्लेसेज पे प्रेजेंट थे प्रोवेंशियल गवर्नमेंट बोलो बिकॉज ब्रिटिशर्स ने प्रोविंस एरियाज़ मतलब बना लिए थे कि हमारे यहां पे रूल्स ये इसकी बॉर्डर लाइन है। चीफ कमिश्नर, वही प्रेसिडेंट आ गया तो after ही होना चाहिए था ना तो यहां पर हम आफ्टर वर्ड को हाईलाइट कर देंगे तो बिफोर अगर आएगा तो उसमें गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल इन काउंसिल इट शैल इंक्लूड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द चीफ कमिश्नर तो ये प्री हो गया अब पोस्ट की अगर बात करें तो उसमें आएंगे द प्रेजिडेंट एंड इट शल ऑल्सो इंक्लूड तो इसको हम कैसे हाईलाइट करें यहाँ पर आएंगे मिस्टर प्रेजिडेंट एंड इट शल ऑल्सो इंक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द गवर्नर ऑफ अ नेबरिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ठीक है तो हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं यूनियन टेरिटरीज भी हैं सम प्लेसेस पर गवर्नर भी हैं जैसे दिल्ली तो इन दो सबको हम लेकर एक बनता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम आई डोंट थिंक सो क्योंकि इतनी बार उन्होंने एग्जाम में पूछा नहीं है बट डेफिनेशन हमको याद करनी है इजी है प्री और पोस्ट में इसको डिवाइड करना है प्री में आपके आ जाएंगे द गवर्नर जनरल मैं हाईलाइट कर देती हूँ गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल इन काउंसिल काउंसिलोवेंशियल गवर्नमेंट एंड द चीफ कमिश्नर अगर आफ्टर की बात करें तो उसमें आ जाएंगे द प्रेजिडेंट द स्टेट गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर और द लिफ्टिनेट गवर्नर ऑफ द नेबरिंग स्टेट और गवर्नमेंट देन यू हैव द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी कमेंसमेंट क्या होता है कमेंस मींस टू बिगिन स्टार्ट करना स टू एनी एक्ट और रेगुलेशन कमेंसमेंट मीन दर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डे ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इंटू फोर्स जैसे आपने पढ़ा होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन टू फोर फर्स्ट सेवेंटी टू उस दिन से वो एक्ट सबको अप्लाई करने लगा देन वॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट उनको इंग्लिश लॉ अप्लाई करता था तो इंडियन लॉ बस फर्स्ट सप्टेम्बर ऑनवर्ड अप्लाई करने लगा दैट इज द डे ऑन विच द एक्ट कमेंड टू बी इनफोर्स लॉ नॉट बी एनफोर्स इट इज ब्रॉट ऑपरेशन तो ब्रॉटमेंट मतलब शुरू करना तो जैसे ही वो एक्ट एनफोर्स हो गई वो सबको अप्लाई करने लगी उसके प्रियम्बल उसके स्कोप में आपको देखना है कि वो क्या कुछ कवर किया है उस एक्ट में देन वी हैव द वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट तो भाई हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी पढ़ा था बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है ज्यादा नहीं है इट मीन्स एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस तो आप पेपर पे लिख लो पांचमेंट पे लिख लो वॉल पे लिखो केव्स पे लिखो रॉक पे लिखो लेकिन आपको कुछ लिखना है उसे डॉक्यूमेंट करना है क्या लिखोगे लेटर्स यूज कर लो फिगर्स और उनका कॉम्बिनेशन Which may be intended, ये जो सब्सटेंस है उसकी बात कर रहे हैं विच मे बी इंटेंडेड टू बीज और विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर तो जो भी आपको रिकॉर्ड करना है उस सब्सटेंस पे करो लेटर्स फिगर्स ड्रॉइंग्स कॉम्बिनेशन साइंस सिंबल्स आप कुछ भी यूज कर सकते हो दैट विल बी अ डॉक्यूमेंट इट डज नॉट इंक्लूड द इंडियन करेंसी नोट ओके सो दैट इज गिवन ओवर दैट इंडियन करेंसी नोट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास पेपर है वो तो डॉक्यूमेंट है ही फिर जो मेमोरियल्स होते हैं या फिर कोई चार्टर हो गया दे आर ऑल कंसिडर्ड एज डॉक्यूमेंट्स एनीथिंग विच इज यूज फॉर रिकॉर्ड मेकिंग देन वी हैव द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंशियल ईयर तो फाइनेंशियल ईयर बोल लो और उसी में से आ जाता है ईयर फाइनेंशियल ऑन फर्स्ट डे ऑफ एप्रिल एंड इट एंड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च वेर एस अगर मैं सिर्फ ईयर की बात करूर्म तो वो हमेशा कैलेंडर ईयर होगा एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर दैट इज जॉन टू डिसंबर हम फॉलो करते हैं द फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल एंड इट एंड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च अब अगर आपको ये एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ आपको ईयर भी डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज उसमें इतना कंटेंट ही नहीं अदरवाइज लिखने के लिए तो थ्री मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करोगे और उसके बाद आप बोलोगे ईयर मीन विच इज कैलेंडर ईयर एज रेकंड भी वर्ड यूज कर सकते हो एज पर द अगर है तो वही डेफिनेशन यूज करेगी करेंगे अगर वहां पर डिफाइंड नहीं है तो इधर आओ अब जैसे आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एग्जाम्पल ले लो उसमें एक्सपल्स ऑफ अ पार्टनर गुड फेथ क्या होता है तो वहां पर वो गुड फेथ को डिफाइन किया गया है तो वी नीड नॉट कम ओवर ह्योर याद है ना आपको एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में इट शुड बी इन गुड फेथ व्हाट इज गुड फेथ उसको डिफाइन किया था दैट ही मस्ट बी सर्व विद अ नोटिस ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इट मस्ट बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म उधर डिफाइन किया था तो हमको ये रिफर करने की जरूरत नहीं है हाँ अगर वहां पर डिफाइन नहीं किया है देन यू विल कम टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज डन ऑनेस्टली हमारे लिए यहाँ पर की वर्ड क्या है दैट इट शुड बी डन ऑनेस्टली वेदर डन नेग्लिजेंटली और नॉट तो जैसे uh, मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ जो इससे रिलेटेड है लेकिन वो लीगल नहीं है लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपकी मम्मी का बर्थडे था एंड यू वांटेड टू सरप्राइज हर विद अ केक तो आप शॉप से केक लेके आए लेकिन आप ऑटो में आए या फिर आप uh, अपने स्कूटर पे आए केक इधर उधर हिल गया एंड इट ब्रोक लाइक दो तीन पार्ट्स में हो गया जब आप घर आए आपने डब्बा खोला माँ मा, सरप्राइज वो केक मतलब केक जैसे दिख ही नहीं रहा था क्या मम्मी आपको डांटेगी कभी नहीं शी विल रियलाइज शी विल ऑलवेज अप्रीशिएट योर एफर्ट्स शी विल से भाई गुड फेथ में किया था ऑनेस्टली किया था हाँ ठीक है थोड़ा नेग्लिजेंट हो गया आपको वो पकड़ के लाना चाहिए था बट इट्स ओके आपके इंटेंशन तो अच्छे थे ना तो गुड फेथ यही होता है कि भाई मैंने तो काम अच्छे से किया लेकिन अगर वो बिगड़ गया बट काम तो मैंने अच्छे इंटेंशन से ही किया था ना इट इज कंसिडर टू बी डन इन गुड फेथ अच्छा गुड फेथ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑफ फैक्ट इवन आई टोटली एग्री इट डिपेंड्स ऑन द द फैक्ट्स एंड केस क्योंकि काम हुआ तो गलत है लेकिन मेरा गुड फेथ में था वो अभी जो शू पॉलिश की एड देखी है ना आपने टीवी पे सर्फ एक्सेल या किसकी टाइड की है तो वो दादाजी के शूज पॉलिश करता है पूरी टी शर्ट गंदी हो गई है लेकिन शूज अच्छे से पॉलिश हो गए हैं तो वो गुड फेथ में किया था है कि नहीं बट नेग्लिजेंट था लेकिन था तो गुड फेथ में तो फैक्ट्स एंड सकमस्टांसिस को देखो एनीथिंग डन विद ड्यू केयर एंड एंड अटेंशन नॉट डन मैलाफाइडी मैलाफाइडी का मीनिंग होता है इन बैड फेथ मैलाफाइडी का मीनिंग होता है इन बैड फेथ अच्छा अभी मैंने जो काम किया है ना वो गुड फेथ में किया है लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे गुड्स uh, सेल करने थे तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आए दे वर वेरी प्रॉमिसिंग हमको तो पच्चीस लाख ,00 के गुड्स चाहिए हमको तीस लाख ,00 के गुड्स चाहिए मैं इतनी खुश होगी कि मेरी सेल हो रही है कि मैंने उनकी सॉल्वेंसी चेक ही नहीं की कैन दैट बी डन इन गुड फेथ नो बिकॉज यू एक्टेड नेग्लिजेंटली वो चीज़ आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की ओके सो इन दैट केस जो काम की एक्सपेक्टेशन आपसे है और तभी आपने नहीं की तो वो अब नेग्लिजेंटली नहीं माने जाएंगे हाँ, मैंने तो उनकी सॉल्वेंसी चेक की थी मैंने सब कुछ चेक किया था जो आपने पैरामीटर्स बोले थे उसमें मैंने सब कुछ चेक किया था लेकिन अगर वो प्रोड्यूलेंट निकले तो यार इसमें मेरी क्या गलती है उसमें मेरी क्या गलती मैंने तो सारे चेक किए थे ना देन देन ऑल दो कंपनी को लॉस हो गया है फिर भी हम उसे गुड फेथ में ही मानेंगे इट इज़ नॉट डन माइलाफ आई मैंने तो अच्छे इंटेंशन से किया था इट डज नॉट अप्लाई टू एनएक्टमेंट विच ऑलरेडी कंटेनर डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ तो वहां पर अप्लाई नहीं करेगा देन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गवर्नमेंट ये ना बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है क्यों क्योंकि देर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पर हम सिर्फ गवर्नमेंट लिख देते हैं सेंट्रल की स्टेट बताओ तो सही वो नहीं बताया सीधा गवर्नमेंट वर्ड लिख दिया है तो लॉ बोलते हैं फैक्ट एंड सही बेटा आपको पता लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सो सेंट्रल भी हो सकता है स्टेट भी हो सकता है इट इज टू बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट फैक्ट the दें the क्या कॉन्टेक्स्ट में आप रिफर कर रहे हो ये गवर्नमेंट वर्ड इज फ्रीक्वेंटली यूज वी एग्री विदाउट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा वर्ड यूज कर देते बताते भी नहीं है सेंट्रल या स्टेट की बात कर रहे हैं तो लॉ बोलते जो कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं अभी खुद ही समझ लो कि वो किसकी बात कर रहे होंगे कभी कभार लगता है कि ये भी डेफिनेशन है वो भी कितनी वेग हो जाती है ना ठीक है इमोवेबल प्रॉपर्टी अरे ये तो था ना हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी लेकिन डेफिनेशन दोनों जगह पे दी है कैसे भी आ सकती है इट इंक्लूड्स लैंड अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली द अर्थ इट इज द सेम वही है अच्छा लैंड तो इमूवेबल है ही है बिल्डिंग इज ऑल्सो इमूवेबल बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड जैसे ट्रीज हो गए क्रॉप्स हो गए और आउट ऑफ लैंड एंड सॉरी वो थर्ड प्रोविजन आ जाएगी थिंग्सिंग आउट ऑफ एंड अटैच टू दी अर्थ और आपको कैसे पढ़ना है ना ये एक हो गया ये दूसरा और ये तीसरा तो एक्चुअली देखा जाए तो तीन है तो लैंड बेनिफिट्स आर राइजिंग आउट ऑफ लैंड उसमें ट्रीज आ गए क्रॉप्स आ गए थिंग्स अटैच टू दी अर्थ जैसे बिल्डिंग आ गई प्लान्स उधर उधर भी आ सकते हैं थिंग्स अटैच टू अर्थ में और एनी थिंग अटैच टू और फैसन टू एनी थिंग अटैच टू दी अर्थ जैसे लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ना वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोल्डर लगा दिया उस पर चेन लगा दिया और उस चेन को मैंने कुछ अटैच कर दिया है तो जो भी मैंने चीज़ अटैच की है वो मूव नहीं होगी बिकॉज इट इज़ फैसन टू अ चेन जो वहाँ पर फिक्स की गई है ग्राउंड पे तो मशीन वगैरह है उसको हमने चेन लगा दी और वो चेन को हमने एक हुक uh, से या फिर कुछ स्टर्डी चीज से ऐसे अर्थ में गाड़ दिया था कि वो हिले ही नहीं मशीन देन दैट ऑल्सो इमूवेबल एग्जाम्पल्स आर ट्रीज स्टैंडिंग क्रॉप बिल्डिंग मशीनरी फिक्स टू सॉइल राइट ऑफ वे ऑफ एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जैसे बहुत ऊंची लंबी फोर्टी फोर्टी फाइव फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो क्या है ना ऊपर नीचे जाने में बहुत टाइम लग जाता है तो फॉर प्रैक्टिकल uh, पर्पज हम बोलते हैं कि बीच में ना एक ऐसे हम छोटा सा ब्रिज टाइप बना देते हैं कि जिसको मिडवे में आना है तो वो वहाँ पर आ सकता है क्रॉस कर सकता है यू कैन गो टू दी अदर साइड उसमें लिफ्ट में भी आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो कि ना मिडवे आके आप दूसरी लिफ्ट से चले जाओ तो फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ना दैट इज ऑल्सो दैट ब्रिज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इमोवेबल प्रॉपर्टी no know it is right of way of access from one place to another अब जैसे मेरा house है वो तो वहाँ दूर है उसके में इतना लंबा सा रास्ता है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट immovable प्रॉपर्टी ओनली कि वो पहले वहां पे पाथ आएगा उसके बाद मेरा घर आ जाता है सो दैट राइट ऑफ एक्सेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज immovable इट्स अ पार्ट ऑफ immovable प्रॉपर्टी इम्प्रेजेंटमेंट अरे बी इम्प्रजेंटमेंट बोल दिया है रिगरेस है कि सिंपल है क्या पता तो लॉ बोलता है rigorous हो या सिंपल हो इट डिपेंड्स ऑन द कोट कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको रिगरेस देनी है सिंपल सो इम्प्रेजेंटमेंट वर्ड अगर हम बोले इट कैन गिव आईधर डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है या तो वो रिगरेस होगी जिसमें बहुत हार्डवर्क इन्वॉल्व है जैसे रोड्स uh, बनाना पत्थर तोड़ना बहुत बहुत मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है या फिर वो एक सिंपल सी इम्प्रेजनमेंट होगी तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है अभी जैसे लॉ में तो सिर्फ इम्प्रेजनमेंट वर्ड दे दिया है दैट ही इज सब्जेक्ट टू कौन सी की सिंपल भाई जज आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा इन्होंने तो सिर्फ इम्प्रेजनमेंट वर्ड यूज कर दिया है जैसे कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पर इम्प्रेजनमेंट है ब्रीगेरे है सिंपल है फिर वो कोर्ट ही डिसाइड करता है एंड ऑफिशियल गैजेट तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशनस पार्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं द जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव वी आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड द डे ऑन व्हिच द एक्ट कम्स इनटू फोर्स देखो अगर एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है

अगर आपको जानना है कि एक्ट कौन से डे पे आई द डे ऑन विच इट वॉज द प्रेसिडेंट और द डे ऑन विच इट वॉज नोटिफाइड इन दफिशियल कैसे ऐसे कौन से डेट पे हम कंसिडर करें तो वो क्लैरिटी लेने के लिए सेक्शन फाइव बोलता है वेर एनी सेंट्रल एक्ट हैज नॉट स्पेसिफिकली मैंशन द डे ऑन विच द एक्ट कम्स इन टू फोर्स दैट इज द डे ऑन विच द एक्ट कम्स इन टू फोर्स इज नॉट मैंशन जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप जनरल क्लॉजेस में आओ और ये पता करो कि कौन सा डेट कंसिडर करे कौन से डेट पे एक्ट विल कम इन टू फोर्स केस ऑफ द सेंट्रल एक्ट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बिफोर ट्वेंटी फिफ्टी

दैट डेट एज द डे ऑन विच द एक्ट कम्स इन टू फोर्स अगर सपोज मान लो कि ऑफिशियल डेट वाली आपको डेट ही नहीं पता है तो फिर जो डेट पे प्रेजिडेंट ने अप्रूवल दिया था वो डेट पे हम कंसिडर करेंगे एक्ट कम्स फोर्स बहुत बार ऐसे होता है कि एक्ट में खुद ही लिखा रहता है जैसे फिफ्टीन सप्टेम्बर को एक्ट एनफोर्स होगी तो वही डे पे दी एक्ट विल कम इन टू फोर्स

फ्रैक्शन ऑफ डे इज़ नॉट कंसिडर्ड ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है लेट से कि जो मेरा एक्ट है वो पब्लिश हुआ था ऑन थर्टियथ ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड थर्टीन ठीक है इट वॉज पब्लिश इन दफिशियल गैजेट ऑन टू थाउजेंड थर्टीन थर्टियथ ऑगस्ट तो थर्टीथ अगस्त को वो पब्लिक प, पब्लिश हुआ था लेट से आफ्टरनून ट्वेल्व ओ को या फिर मॉर्निंग uh, में इलेवन ओ क्लॉक ले लेते हैं ठीक है कंफ्यूजन नहीं होगा मॉर्निंग इलेवन एम को हमने वो पब्लिश कर दिया था सो डज इट मीन कि वो इलेवन ए से ही इफेक्टिव होगी एक्ट नहीं है ऐसा नहीं है फिर ये वेबसाइट पे आपको दिखने लगा था ग्यारह बजे लेकिन लॉ बोलता है दैट इट विल कम इन टू फोर्स एज सुन एज द मिड नाइट स्ट्राइक्स ट्वेल्व ओ क्लॉक

सेक्शन फाइव अभी सेक्शन सिक्स में आ जाते हैं रिपील की तरफ यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है वॉट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील अभी रिपील का मीनिंग क्या होता है टू रिमूव और रिवोक मैंने उस एक्ट को या एक पार्ट ऑफ द एक्ट को इस तरीके से जड़ से उखाड़ दिया है कि उसका पूरा नामो निशानी मिटा दिया एज इफ दैट एक्ट नेवर एग्जिस्टेड जितने भी में इसको करना है। एक बार वो हो गए, तो उस का तो यूज ही नहीं है ना उसका जो पर्पस था वो तो खत्म हो चुका है जिस इंटेंशन से हम उसको लाए थे अब वो प्रोविजन मेन एक्ट का हिस्सा बन चुके हैं अब वो अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत ही नहीं है कर दो न कुछ कुछ एक्ट्स तो इतने पुराने आई टेल यू मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है मेरी पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई है अब तक तो वो पुराने एक्ट चलते आ रहे हैं तो लॉ बोलते हैं यार निकालो इन सबको तो उनको हम रिपील कर देते देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपील वो एक्ट जो आप रिपील कर रहे हो उनके उनसे रिलेटेड केसेस चल रहे होंगे या फिर उनकी कुछ जजमेंट होंगी क्या उनको भी अफेक्ट करेगा वो सारी क्लैरिटी हमको यहाँ पर दी है तो रिपील जनरली हम एक्ट को करते हैं पार्ट ऑफ द एक्ट को करते हैं क्योंकि उनका एक तो पर्पज खत्म हो चुका है

पूरा का पूरा चैप्टर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स का चैप्टर 7 और पार्टनरशिप का चैप्टर 11 था वो पूरा का पूरा चैप्टर रिपील कर दिया और नए एक्ट्स बना दिए उनके रिपील कर देना मतलब जड़ से इस तरह उखाड़ दिया एज़ इफ दे नेवर एग्जिस्टेड ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्लिटरेट दैट इज इराडिकेट और रिमूव द एक्ट पूरी तरह से उसका पूरा नामोनिशान मिटा दिया आपने वेयर बाय

रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स्ड और प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड रिपील इज इफेक्टिव अब वो एक्ट ड्राफ्ट सेज में है आप उसे रिपील कर लेते हो तो इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट एनफोर्स जब कुछ एनफोर्स हुआ ही नहीं था तो उसके रिपील के बाद कुछ रिवाइव होगा जब कोई कुछ एग्जिस्टेंस में था ही नहीं तो फिर उसको रिवाइव कैसे करोगे ना तो लॉ बोलता है इट विल नॉट रिवाइव एनी थिंग नॉट इन्फोर्स अच्छा एक और बात बोल लो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल की कोई कॉन्सेप्ट था कोई प्रोविजन था जिसको एनफोर्स मैंने बाद में डेट पे करना जैसे एन एफ आर एक प्रोविजन था जिसकी एनफोर्समेंट कंपनीज आए तो आ गई थी लेकिन उसकी एनफोर्समेंट उन्होंने डेट बाद में की सेट की हुई थी अब अगर मुझे वो रिपील करना है मान लो रिपील करना है अगर मुझे वो रिपील करना है तो लॉ होता है जब कुछ एग्जिस्टेंस में था ही नहीं तो उसको रिपील करके क्या कर लोगे

Uh, आप पे कुछ इम्प्रेजनमेंट के प्रोविजन लग चुके हैं अब वो एक्ट रिवाइव हो गई तो आप ये नहीं बोल सकते चलो भाई थैंक गॉड एक्ट रिपील हो गई है मेरे जो पेनल्टीज थे मेरी जो इम्प्रेजनमेंट थी मेरे जो केसेस थे वो अभी सब खत्म हो गए मेरी मेरी जो तो इम्प्रेजनमेंट थी वो भी अभी सजा माफ हो गई कुछ नहीं है जो हो चुका है वो हो गया है अभी रिपील से आपके जो जजमेंट्स है आपका जो केस था उसके और जो इम्प्रजेंटमेंट थी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो पेनल्टीज इम्पोज हो चुकी है अभी वो सब वैसी ही रहेंगी रिपील से उन उनपे कोई असर नहीं होने वाला इट विल नॉट अफेक्ट एनी राइट प्रिवलेज ऑब्लीगेशन लाइबिलिटी लेजिस्लेशन सपोज मुझे कुछ राइट right मिली थी टू रिसीव जैसे मुझे कॉम्पेंसेशन मिलने वाली थी एक्टिव रिपील हो गई डोंट वरी वो मिलेगी तुम्हें कॉम्पेंसेशन मेरी कोई लाइबिलिटी थी वो इम्पोज हो चुकी थी मुझ पर वो लाइबिलिटी लग चुकी थी वो रहेगी वैसी इट विल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी पनिशमेंट फॉर फ्यूचर इनकर्ड विद रिगार्ड टू एनी ऑफेंस तो सपोज आपको हमने इम्री थी सिक्स मंथ विद फाइन फिफ्टी थाउजेंड फिर एक्ट रिपील हो गया आप पे वो अप्लाई करेगा रिपील से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इट विल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी लिटिगेशन रेमेडी विच मे बी इनिशियटेड कंटिन्यूड और इनसिस्टेड तो इनिशियट हो चुका है या फिर वो कंटिन्यू चल रही है आपकी जो इंक्वायरी थी जैसे इनकम टैक्स की कोई इंक्वायरी हो गई या कमी आई में कोई भी इंक्वायरी थी कुछ ही रही है तो रिपील से इन सब चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टू समराइज ऑल दिस जो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं उसका रिपील पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ रिवाइव नहीं हो जाएगा अभी रिपील किया इसका ये मतलब इसके पुराने के प्रोविजंस रिवाइव हो गए ऐसा नहीं है जो पेनल्टीज थी जो इम्रिजनमेंट थी जो फाइन थी जो राइट थी जो लाइबिलिटी थी जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट uh, हो चुकी है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उसका रिपील पे कोई असर नहीं पड़ेगा रिपील से ऑल दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड सो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको एज इट इज याद रखने हैं बिकॉज थ्योरी क्वेश्चन आते तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ऑल दिस याद नहीं होता मुझे भी पता है इसीलिए मैंने आपको ऐसे स्टेप वाइज पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स इन द एक्ट ऑफ रेगुलेशन अब मेरा एक Companies Act है टू थाउजेंड फिफ्टीन आया सेवन भी आया फिफ्टीन आया टू थाउजेंड सेवेंटीन आया ट्वेंटी ट्वेंटी आया अब इन अमेंडमेंट एक्ट्स ने यहां पर कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स किए थे मतलब वर्ड्स चेंज कर दी पेनल्टीज चेंज कर दी प्रोविजन लिमिट्स चेंज कर दिए बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन अमेंडमेंट एक्ट्स का जो पर्पस था वो तो ख़त्म हो गया है ना अब मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने इन्हें मान लो रिपील कर दिया अब रिपील कर दिया डज इट मीन कि ये जो कॉन्टेक्चुअल ओके okay, ये जो टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स यहां पर मेन एक्ट में कर चुके हैं वो भी रिपील हो जाएंगे नहीं भाई ये जो अमेंडमेंट वाले एक्ट थे इनका पर्पस था मेन एक्ट में अमेंडमेंट्स करना वो मेन एक्ट में अमेंडमेंट्स कर चुके हैं वो टेक्स जो बदली करना था कर चुके हैं तो इनका पर्पस खत्म हो गया ना निकालो इनको कितने एक्ट्स रखोगे अपने सिस्टम में मैंने इनको रिपील कर दिया इनके जो टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स थे उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दिस एक्ट मतलब द जनरल एक्ट रिपील्स एनी text of the act or regulation was amended by express omission, insertion or substitution मैंने या तो वो amendment से कुछ main act में omit कर दिया, substitute कर दिया, amend कर दिया then unless a different intention appears फिर भी वो scope रखते हैं कि भाई facts and circumstances देखके decide करना है सब कुछ repeal shall not affect the continuance of such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal तो जो जो वो अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस था वो टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स वो कर चुका है रिपील हमने कर दिए इन अमेंडमेंट्स को उनका काम खत्म लेकिन जो टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे उनका काम ही ये था अमेंडमेंट करना वो कर चुके तो इन अमेंडमेंट्स पे रिपील का कोई असर नहीं पड़ेगा देन वी हैव रिवाइवल ऑफ रिपील्ड रिपील्डमेंट्स बाई गलती सुधारो अपनी गलती सुधार रहे हैं वो कभी कभार क्या होता है ना सब बोलते रिपील कर दो रिपील कर दो हमने रिपील कर दिया फिर देन रियलाइज यार ये रिपील की तो जरूरत ही नहीं थी हमें। अब वो फिर से रिवाइव करना है वापस लेकर मतलब अपनी गलती को सुधार रहे हैं हम रेगुलेशन आइदर होली और पार्शियली है आइदर होली और पार्शियली मुझे रियलाइज हुआ कि उसे रिपील नहीं करना चाहिए था तो लॉ बोलता है हैं टेंशन मत लो यार सिर्फ आप अपना इंटेंशन या पर्पस बता दो कि वो आप रिवाइव क्यों करना चाहते हो हम तुम्हें रिवाइव करने देंगे डोंट वरी देन वी हैव सेक्शन एट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील एनेक्टमेंट अब ना इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन वन वन फाइव जे में क्या लिखा था कि जो बुक प्रॉफिट्स हैं दे विल बी कैलकुलेटेड एज पर द कंपनीज एक्ट नाइनटीन है? ये इनकम टैक्स मैं लिख देती हूँ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ था दैट अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट नाइन सिक्स के हिसाब से आप बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे अब कंपनीज कंपनी थर्टीन आ गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पर ये जो कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वर्ड्स को चेंज करना भूल गए उन्होंने वो टू थाउजेंड थर्टीन लिखा ही नहीं तो लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है लेकिन यहाँ पर 115 JV में लिखा है कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट्स एज पर सेक्शन वन एज पर कंपनीज एक्ट 1956 अभी हम क्या करें लॉ बोलता है यार अपना दिमाग लगाओ इतने सारे एक्ट्स हैं इतनी जगह पर चेंजेस करने कभी रह गया होगा ना हमसे अब इस एक्ट के बदले 2013 एक्ट आ गया है लॉजिकली सेक्शन 8 आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये 1956 के हिसाब से बुक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है आपको कंपनीज है 2013 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेक्शन एट आपको दे रहा है वेर एनी एक्ट सॉरी पहले तो ये बोला है एक जनरल सेंटेंस है दैट एवरी एक्ट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्शन 1956 एक्ट की अपनी डिस्टिंक्शन थी 2013 के अपने फीचर्स है अपनी डिस्टिंक्शन है इफ़ लेटर

तो उस रेफरेंस में अब 1956 का सिक्स काउजेंड करना भूल गए तो आप देखो ना कि न्यू एक्ट आ गई है तो उस हिसाब से जो अमेंडमेंट हुए हैं जो चेंजेस हुए हैं वही कैल वही यूज करो फॉर कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट अंडर वन वन फाइव जेबी ये क्लैरिफिकेशन सेक्शन एट ने दिया कि ऐसी गलतियां बाद में भी कहीं और हो सकती है सो वॉट इज द एक्शन दैट यू नीड टू टेक देन वी हैव सेक्शन नाइन विच इज कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम ये तो आपको पहले से ही पता है में में आपने uh, from to days में कैसे calculate करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं क्या exclude करते हैं, वो तो देखा ही होगा फॉर दर्पज ऑफ कंप्यूटेशन टाइम इट शैल बी सफिशेंट इफ फर्स्ट डे इन सीरीज इज एक्सक्लूडेड फर्स्ट डे को आप अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो ठीक है द लास्ट डे इन सीरीज शाल बी इंक्लूडेड मैंने आपके लिए ना एक एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पर मान लो दैट द डिविडेंड इज डिक्लेयर ट्वेंटी थर्टी डेज फ्रॉम दैट डे अब थर्टी डेज दिया है तो हम कहाँ से कैसी कैलकुलेशन करें तो लॉ होता है कि जो फर्स्ट डे है ऑफ द सीरीज विच इज September उसको एक्सक्लूड कर दो और तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होगी ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी सप्टेंबर तीन दिन सप्टेंबर के आगे मुझे थर्टी डेज चाहिए तो ट्वेंटी सेवन डेज अक्टूबर के लेंगे तो द पेमेंट ऑफ डिविडेंट शुड बी डन बाई ट्वेंटी सेवेंथ ऑक्टूबर लेकिन अगर आपने डिविडेंट्स पे नहीं किए वॉर डिस्पैच नहीं किए जो भी अनपेड या अनक्लेम्ब डिविडेंट है दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड विद इन सेवन डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेट थर्टी डेज टू account अकाउंट नोन एज unpaid अकाउंट तो इट शुड बी be विद इन सेवन डेज from लिखा है तो so ये फ्रॉम को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम तो इधर देखो ट्वेंटी सेवेंथ अक्टूबर जो है जो फ्रॉम वाली डेट है उसे आप प्लीज एक्सक्लूड कर दो और जो टू वाली डेट है उसे इंक्लूड कर दो

summarizes the entire कॉन्सेप्ट इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर की वर्ड्स कैसे हमने देखो हाईलाइट भी कर लिए हैं यही आपको वो कॉन्सेप्ट रिमाइंड कराने में हेल्प करेगा अच्छा आपने बहुत बार एक्ट में देखा होगा दैट यू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ थर्टी डेज सेवन डेज टू फाइव अकेज या सिक्सटी डेज का टाइम है थर्टी डेज का टाइम है टू a case में ले लेती हूँ थ्री इयर्स है लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलता है यू हैव अ टाइम ऑफ थ्री इयर्स टू फाइल अ केस अब ना हम तो क्या है सारे दिन वसूल करने वाले हैं मान लो कि मैं लास्ट uh, डे पे काम करने वाली हूँ आई एम अ पर्सन जिसको मतलब फुर्सत में काम करने की आदत है मैं लास्ट डे पे गई काम करने लास्ट डे जो आ रहा है ना वो थर्टी डे या वो थ्री इयर्स वाला लास्ट डे उस दिन पे कोर्ट बंद दे। है देखो भाई मुझे तो राइट right है टू फाइल अ केस वो लास्ट डे पे अगर कोर्ट बंद है तो इसमें मैं क्या करूं लॉ बोलते हैं हाँ ये हम मानते हैं कि वो लास्ट डे भी तुम्हारा तुम्हारी राइट है अगर वो डे पे कोर्ट बंद है तो फिर अगला बिजनेस डे जो है ऑन द नेक्स्ट डे जो कोर्ट्स चालू रहेंगे वो डे पे को, तुम केस फाइल कर लेना वो एक दिन एक्स्ट्रा ले लो भाई नेक्स्ट वर्किंग डे अरे नेक्स्ट तो सैटरडे आ रहा है तो संडे भी छोड़ो मंडे तक केस फाइल कर देना

रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड याद है कि आप किसी को रोक नहीं सकते बिजनेस करने से, उसमें एक्सेप्शन थे सबसे पहला एक्सेप्शन था इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल से दैट एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई अलॉन्ग विद गुडविल तो वाई एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है दैट यू विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस इन दिस प्रिस्क्राइब्ड एरिया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट सॉरी यू नॉट कैरी ऑन प्रिस्क्राइबिप में आप अपना बिजनेस नहीं करोगे. अब ये एरिया में नहीं करोगे, या फिर वो बोलता है कि यहाँ से हंड्रेड किलोमीटर के रेडियस में आप वो काम नहीं करोगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे हो क्वेश्चन है कि नहीं इधर दो माउंटेन आ गए चार हिल्स आ गए तो क्या ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करे

कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका जो भी डिस्टेंस आता है उस हिसाब से आप हंड्रेड किलोमीटर का रेडियस कैलकुलेट करोगे इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इफ एनी एक्ट ऑफ रेगुलेशन इज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट इज 1897 तो जो मेजरमेंट है इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बस उसमें इतना ही है देन वी हैव जेंडर एंड नंबर अरे इस पे तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं

तो चेयरमैन लिखा है doesn't mean कि वुमन बी कर सकते हाँ यहां पर ना थोड़े से uh, extra provisions हैं जैसे let's say कि कोई act में clearly लिखा है male descendant, तो उसमें फीमेल नहीं आएगी एक्ट में क्लियरली लिखा है कैटल वर्ड नहीं लिखा है जिसमें बहुत जनरल होते क्लियरली बुलक्स वर्ड लिखा है तो जब लॉ बहुत ही स्पेसिफिक जेंडर मेंशन करता है मतलब इंटेंशन ही उसका ऐसा है कि ये काम स्पेसिफिकली वो जेंडर को ही टारगेट कर रहा है देन यू विल नॉट से दैट मेल इंक्लूड्स फीमेल लेकिन अगर ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं दिखाया है देन चेयरमैन बोलो चेयर वूमन बोलो दे ऑल मीन द सेम मेल इंक्लूड्स फीमेल ऑल्सो सिमिलरली द वर्ड सिंगुलर विल इंक्लूड प्लूरल ऑल्सो लाइक से फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था कि अगर आप हमारे कंपनी के के एम पी हो तो आप कोई दूसरे कंपनी में के एम पी नहीं हो सकते फिर उसने पूछा बस आपकी एक कंपनी हमने बोला हाँ हमारी कंपनी हो हमारी सब्सिडरी में हो सकते हो तो सपोज मैं के एम पी हूं ऑफ कंपनी ए तो मैं कंपनी बी में के एम पी नहीं हो सकती आ, लेकिन कंपनी ए की जो सब्सिडरी है ना वहां पर मैं के एम पी हो सकती हूं अब डाउट इधर आया मैम आज एक सब्सिडरी कल दो हो गई तो अरे कोई बात नहीं सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल ऑल्सो इधर भले ही उन्होंने दिया है सब्सिडरी लेकिन उसी कंपनी की अगर दो तीन सब्सिडरीज हो गई तो उसमें भी आप के एम अपॉइंट हो सकते हो सिंगुलर इनक्लूड्सो तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो मैंने पूरे जनरल रूल्स एक ही पेज पे ले आई हूं yes? पूरा एक ही पेज पे डाल दिया है नेक्स्ट अस डिस्कस पावर एंड फंक्शनरी सेक्शन फोर्टीन टू सेक्शन नाइनटीन नाउ फर्स्ट वन ओवर इज सेक्शन फोर्टीन पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइज फ्राम टाइम टू टाइम ये वर्ड तो बहुत बार आया होगा आपने कभी इस पर शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा दैट योर पावर कैन बी कन्फर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है ये फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या होता है वेर बाई एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब अगर आपका जो एक्ट है वो इस एटीन नाइनटी सेवन के बाद अगर आया गया है एनी पावर इज कन्फर्ड टू यू अच्छा यहां पर जो वर्ड कन्फर्ड है ना उसका मीनिंग क्या होता है कन्फर्ड मीन टू गिव या फिर ग्रांट आप क्या दे रहे हो पावर दे रहे हो ओके वॉट आर यू गिविंग यू आर गिविंग पावर पावर इज गिवन टू होम पावर इज गिवन टू लेट से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर द मैनेजर या फिर इट इज गिवन टू द कंपनी और लेट से मेंबर्स को हमने पावर दी है ठीक है तो पावर हम किसी को भी दे सकते हैं कौन देगा ये पावर ठीक है ये टू होम हो गया और मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ बाय होम द पावर कैन बी गिवन बाय आइदर द एक्ट और बाय एनी रेगुलेशन जब आपको पावर दी गई है फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका मतलब पावर मे बी एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द ओकेजन रिक्वायर्स तो आपको हमने कुछ काम करने की पावर दे दी डज इंट मीन की भाई एक बार पावर यूज हो गई तो वहां पर खत्म हो जाएगा व द राइट टू यूज दैट पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम जब तक आप वो पोजिशन में हो जब तक वो ओकेजन डिमांड करता है जब तक कोई एक्ट या रेगुलेशन उसमें चेंज ना ले आए तब तक आपको जो पावर दी गई है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो जैसे मेंबर्स के पास पावर है टू अपॉइंट द ऑडिटर्स डायरेक्टर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग तो मेम्बर्स को हमने वो पावर दी गई है तो मेम्बर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम हर एनुअल जनरल मीटिंग में वो काम कर सकते हैं

तो आप उस पर्सन को ना अपॉइंट करके कोई एक्स ऑफिशियो को भी अपॉइंट कर सकते हो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो मींस बिकॉज ऑफ द ऑफिस ओके बिकॉज ऑफ द ऑफिस या फिर पोजीशन मान लो कि आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है उधर एक चीफ गेस्ट आने वाला है चीफ गेस्ट ने लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया तो आप सोचोगे अब क्या करें अब क्या करें चीफ गेस्ट कोई नहीं है प्रिंसिपल मैम आप चीफ गेस्ट बनोगे क्या यू विल नॉट आज प्यून टू बी द चीफ गेस्ट अगर चीफ गेस्ट नहीं आने वाला है तो देन हु एल्स विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन द प्रिंसिपल क्यों बिकॉज ऑफ हिज ऑफिस क्योंकि उनकी पोजिशन ही ऐसी है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन तो वही होंगे ना अच्छा देर इज अ प्रोविडेंट फंड कमिटी ठीक है एक प्रोविडेंट फंड कमेटी हमने बनाई है टू मैनेज द प्रोविडेंट फंड अब उस प्रोविडेंट फंड कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये प्रोविडेंट फंड कमेटी का हिस्सा बन जाते बिकॉज ऑफ इस बिकॉज ऑफ इज पोजीशन भाई तुम कमिश्नर हो तो तुम ऑटोमेटिकली वो प्रोविडेंट फंड कमेटी का हिस्सा बन जाते हो बिकॉज ऑफ योर

ऑफिस अब मान लो कि मुझे एक्ट uh, में लिखना है कि ये काम जो है वो डायरेक्टर कर सकता है ये जो काम है वो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा या ये जो काम है वो मेंबर्स करेंगे लॉ बोलता है कि आपको अगर नाम देकर करना है तो करो लेकिन वो पर्सन तो बाद में चेंज हो जाएगा ना वो पोजीशन पे वो पर्माटली थोड़ी ना रहने वाला है तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस कर दो दैट एनी वन इज लेट्स से मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी सीई ओ ऑफ दिन सो बिकॉज ऑफ हिस ऑफिस वो वो काम कर सकता है इसी की झलकना आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरी में भी मिलेगी इट इज अमिलर कॉन्सेप्ट पॉवर टू अपॉइंट द अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय अपॉइंटिंग एन एक्स ऑफिशियो एज वेल तो लेट से फॉर एग्जाम्पल की आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो ओके सो यर यू कैन यू कैन अपॉइंट अ चीफ गेस्ट अपॉइंट तो नहीं बोलेंगे यू विल इनवाइट अ चीफ गेस्ट अब चीफ गेस्ट में आप किसी एक्स ऑफिशियो को भी ला सकते हो कि भाई हमको कोई बाहर वाला नहीं लाना है मैम आप प्रिंसिपल हो ना आप ही चीफ गेस्ट बन जाओ सो बिकॉज ऑफ़ योर ऑफिस यू ऑटोमेटिकली बी द नेक्स्ट ऑप्शन अब जैसे मैंने आपको ये प्रोविडेंट फंड का एग्जाम्पल दिया प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोविडेंट फंड कमेडी का हिस्सा बन जाते हैं आप एक डायरेक्टर हो तो आप ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका हिस्सा बन जाते हो so here if you have the power to appoint a person to fill an office or to execute a function then such appointment may be made either by name agar aapko kisi ka naam likhna hai to theek hai or by virtue of office jaise ye jo kaam hai ye ceo karega ya ye cfo karega to wo aap office ka naam bhi wahan par agar lik doge it is perfectly fine और उस office में आप x officio को भी appoint कर सकते because of his position he is the next best available option पावर टू अपॉइंट विल इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और पावर टू डिसमिस अरे यही तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है उसका मेन एम क्या है टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ लॉ आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है दैट ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट रिमूव सस्पेंड आपने अगर इतना भी लिख दिया ना दैट ही हैज द पावर टू अपॉइंट सो जिसे अपॉइंट करने की पावर है उसे निकालने की सस्पेंड करने की भी तो पावर है ना

मान लो कि आप सब एक ही डिपार्टमेंट में हो मैंने किसी एक एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं किया था लेकिन मेरे पास अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी है भले ही मैंने उसे अपॉइंट नहीं किया था लेकिन मैं उसको रिमूव और सस्पेंड भी कर सकती हूँ वेन वी हैव सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज अब लेट से मेरी एक कंपनी है उसमें एक सीईओ है एक सीएफओ है

विदेशन सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है जैसे आपको शुगर नहीं खानी है तो आप सब्सटीट्यूट कर दो विदरी विद शुगर फ्री पिल्स तो सब्सटीट्यूशन मीन इन प्लेस ऑफ तो आपको अगर नाम नहीं लिखना है तो उसके जगह पर आप उनके फंक्शन के नाम लिख दो तो वो टाइम पे वो पोजिशन में जो भी पर्सन होगा उसको यह अप्लाई करेगा इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिसंट

तो इंस्टेड ऑफ दैट उसका फंक्शन आप लिख दो कि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी हमारे सीईओ या सीएफओ या डायरेक्टर्स रहेंगे वो ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे सो टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर आइदर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन और नॉर्मली परफॉर्म दैट फंक्शन ये इट इज डन बाय द डायरेक्टर्स ओके तो आप वहां पर लिख दो फॉर द डायरेक्ट डायरेक्टर फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स या फिर द सीईओ एट दैट प्रेजेंट टाइम जो भी सीईओ है वो कर लेगा सक्सेसर्स इट शाल बी सफिशेंट फॉर द परपज ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ अ लॉ टू दक्सेसर्स ऑफ एनी फंक्शनरीज और बिजनेस आज थोड़ी ना बंद होने वाला है सालों सालों तक कारपोरेशन चलेंगी सालों सालों तक बिजनेस चलेगा सालों सालों तक कंपनीज चलेंगी आपको किसी का नाम लिखने की क्या जरूरत है वहां पर टू एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ फंक्शनरीज और कॉरपोरेशन ये कंफ्यूजिंग लगता है बहुत सिंपल इट शाल बी सफिशेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ लॉ टू दक्सेसर्स अब आज सी एफ ओ है मिस्टर अयर कल उनको सक्सीड कर लेंगे मिस्टर शर्मा या फिर लेट से वो तो मैंने नाम यूज किया हुआ था लेट से मैं यहां पर लिख देती हूँ अग्रवाल सो इन दिस केस जो फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो आपके सक्सेसर्स भी वही करेंगे सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरी से ही तो रिलेटेड है ये इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम मैंने फंक्शन लिख दिया लेकिन आप बोलते हो कि एट प्रेजेंट मिस्टर अय्यर है क्या उन्हीं को अप्लाई करेगा अरे नहीं बाबा उनके बाद में जो सक्सेसर्स आएंगे उनको भी ऑटोमेटिकली ये सब अप्लाई करेगा भाई कंपनी आज या कल तो बंद नहीं होने वाली है इट इज गोइंग टू तो कंटिन्यू अब कंटिन्यू करेंगे तो लोग तो चेंज होंगे ही ना तो परपेचुअल सक्सेशन वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर जो आप फंक्शन किसी एक पर्सन को दे रहे हो किसी एक टाइटल होल्डर को दे रहे हो उसके बदले में कोई और सक्सेसर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शंस उन्हें भी परफॉर्म करने पड़ेंगे चीफ ऑफिशियल चीफ्स एंड सबोर्डिनेट्स अब मिस्टर प्रेसिडेंट को जो रूल्स अप्लाई करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को भी अप्लाई करेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर को अप्लाई करते हैं तो उनके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें भी वो अप्लाई करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को अगर अप्लाई करते हैं तो उनके नीचे जो मिनिस्टर्स हैं उनके नीचे जो, सक, जो जो भी जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें भी वही रूल्स अप्लाई करेंगे ना उनके लिए हम अलग रूल्स थोड़ी ना बनाएंगे द लॉ रिलेटिंग टू चीफ और सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस शैल अप्लाई टू डेप्यूटीज और सबॉर्डिनेट्स लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट ऑफिस इन प्लेस ऑफ द सुपीरियर टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर नाउ टेल मी जब आप आर्टिकल शिप भी करने जाओगे वो जो असाइनमेंट मिली है वो आपके पार्टनर को मिली है लेकिन पार्टनर सारा काम खुद थोड़ी ना करते हैं उनके नीचे होते हैं मैनेजर्स मैनेजर्स के नीचे होते हैं आर्टिकल्स लेकिन आर्टिकल्स ये नहीं बोल सकते भाई मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा नहीं जो प्रिंसिपल है जो आपके पार्टनर है वो जिस तरीके से काम करेंगे उसी तरीके से मैनेजर काम करेगा मैनेजर आपको बताएगा ऐसे आपको काम करना है आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये मैं चेक नहीं करता ये मुझे मटेरियल नहीं लगता देखो भाई जैसे पार्टनर काम करेंगे ना उसी हिसाब से आपको भी चेकिंग करनी है तो लॉ सिंपली यही बोलना चाहता है कि जिस तरीके से सुपीरियर को हमने काम करने की अथॉरिटी दी है जो उसके ऊपर ड्यूटीज डाली हैं वही सेम ड्यूटीज टू परफॉर्म द फंक्शन विल अप्लाई टू द सक्सेसर टू द सकॉर्डिनेट्स आल्सो तो जितने डिलिजेंस से जितने केयरफुली सीनियर्स को काम करना है वो उसी तरह से जूनियर को भी ट्रेन करेंगे और उनसे भी वही एक्सपेक्टेशन रखेंगे फिर वो सिर्फ चेकिंग वगैरह का काम है इसी तो ठीक तरीके से काम किया है कि नहीं बिकॉज अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सुपीरियर की होती है काम भले कोई और कर रहा हो लेकिन आंसरेबल तो सुपीरियर तो ही है ना टू द थर्ड पार्टी सो यहाँ पर इफ

क्योंकि इंटरप्रिटेशन मीन रीडिंग द लॉ एज इट इज कंस्ट्रक्शन मतलब मतलब उसे समझने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर अभी एक्सेट्रा में क्या आएगा नीचे दिया है देखो एक्ट में नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम रूल फॉर्म बायलॉज तो एक्सेट्रा वर्ड में वो आता है नाउ बहुत बार ऐसे होता है ना कि एक्ट में लिखा है एज प्रिस्क्राइब तो प्रिस्क्राइब कहाँ पर किया है तो रूल्स देखेंगे या फॉर्म देखेंगे कोई ऑर्डर है नोटिफिकेशन स्कीम वहां पर देखेंगे हम मैं चली गई रूल्स पढ़ने रूल में एक वर्ड यूज किया था लेट से जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लिया है कलेक्टर अब कलेक्टर को मैंने रूल में ढूंढने की कोशिश की इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं मिला तो लॉ बोलता है पहले रूल में ढूंढो ऑर्डर एनएक्टमेंट जहां पर भी आप हो वहां पर उसको ढूंढने की कोशिश करो नहीं मिलता है अरे ये रूल कौन से एक्ट का है वहां पर ढूंढने की कोशिश करो वहां पर मिल गए आपको मीनिंग यूज कर लो नहीं मुझे एक्ट में भी नहीं मिल रहा फिर लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं गो टू तो द फादर ऑफ ऑल लॉज जनरल एक्ट में देखो शायद वहां पर मिल जाए आपको वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन पावर टू इशू एनी नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम रूल फॉर्म बाइलॉज कन्फर्ड एक्सप्रेशन यूज शल है एक्ट और रेगुलेशन कन्फरिंग पावर तो एक्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम बनाने की वहां पर जो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं उनका वही मीनिंग होगा जो मेन एक्ट में है टू गिव यू एन एग्जाम्पल द टर्म कलेक्टर इज यूज इन रूल फोर ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक थ्री ये जो कलेक्टर वर्ड है ये रूल में यूज किया है लेकिन रूल में मैंने बहुत ढूंढा मेरे को उसका मीनिंग ही नहीं मिला तो एक्ट देखो ना ये किसका रूल है लैंड एक्विजिशन तो लैंड एक्विजिशन एक्ट देखो ना एक्ट में क्या वो कलेक्टर वर्ड को डिफाइन किया हाँ किया है तो वो देख लो भाई तो वो जो डेफिनेशन दी है वहां पर वही अप्लाई करेगी ना तो रूल में वही डेफिनेशन होगी जो एक्ट में अगर एक्ट में भी नहीं मिलता है तो जनरल एक्ट के इंक्लूड द पावर टू एड अमेंड वेरी मतलब चेंज रिसेंट मतलब कैंसिल नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स और बाइलॉज आपको अगर मैंने इशू करने की अथॉरिटी दी है तो आप ही उसे अमेंड एड वेरी रिसेंट भी कर सकते हो दिस इज अगेन टू शॉर्ट इन ऑफ़ लॉ बार बार थोड़ी ना लिखूंगी कि आप ही वो सब सारे काम करना वेर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स बाय लॉस इज दैट पावर एक्सरसाइज इन द लाइक मैनर सब्जेक्ट टू द लाइक सेंशन एंड कंडीशन इफ एनी will have the power to add amend very recent notification rules by laws so issue to तो jise issue karne ki authority hai usse hi amend aur rescind karne ki bhi authority hai ab ye bylaws kya hote hain see bylaws are just like a law jaise aapke jo articles of association hain they are bylaws of the company aisa koi act nahi hoga ऐसा कोई rule नहीं होगा, but ये जो articles में लिखा है ना, they are rules which automatically apply to the company they are just लाइक लॉज फॉर द कंपनी तो म्युनिसिपैलिटी जो बाय बनाती है क्योंकि वो लॉ तो नहीं है कोई एक्ट तो नहीं है लेकिन म्यूनिसपैलिटी जो बाय लॉ बनाती है इट इज जस्ट लाइक अ लॉ वो छोटे से एरिया में जहां पर उसका म्युनसिपैलिटी जो, जो, जो उसके उसके अंडर है उसमें वो अप्लाई करेगा जैसे एंटी स्पिटिंग कर दिया मैंने कि नहीं यहाँ पर स्पिट नहीं करना है आपको ये बाय लॉ हमारे ग्राम पंचायत ने बोलो म्युनिसपेलिटी ने बोलो उन्होंने बनाया है उस एरिया के लिए लॉ like तो अगर आपके पास इशू करने की अथॉरिटी है तो आप ही के पास उसे अमेंड रिसेंड मतलब कैंसल, चेंज वेरी करने की भी अथॉरिटी है सेक्शन ट्वेंटी सिक्स बोलता है प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर टू और मोर एनएक्टमेंट ये तो बहुत लॉजिकल है यार अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है और मैं पनिशेबल हूं आई के नॉट बी पनिश्ड अंडर टू डिफरेंट एक्ट आप अगर कोई ऑफेंस करते हो तो दोनों में और दोनों में पनिशमेंट लिखी हुई है आपके लिए किसी एक में ही आपको पनिश कर सकते यू के नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस हाँ लेकिन अगर आप, देखो, आपने देखो ऑफेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एक्ट इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्ट जैसे किसी पर्सन ने रेप भी कर दिया अटेम्प टू मर्डर भी किया टॉर्चर भी किया वो लेडी की जो राइट है वो भी उसने अफेक्ट की देन uh, उसमें देर आर मेनी सीरीज ऑफ एक्ट हर एक्ट को अलग अलग जगह पर पनिशमेंट लिखी हुई है हाँ तो ठीक है ना तो फिर आपने जो फ्रॉड का काम किया है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो आपने जो रेप किया है उसके लिए दूसरा एक्ट देख लो आपने जो अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या उसको टॉर्चर किया है वो तीसरे एक्ट में अगर सपोज आपको इन सीरीज ऑफ एक्ट के लिए अलग अलग एक्ट में अलग अलग पनिशमेंट है तो फिर आपको हर पनिशमेंट अप्लाई कर सकता है लेकिन अगर आपने किसी ने रेप कर दिया है तो उसी रेप को आप तीन चार एक्ट में अगेन 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 सेम चीज को पनिश नहीं कर सकते। Where any act या मैंने आपको ओमिशन का एग्जाम्पल दिया था ना पर्सन ने खाना नहीं दिया बेचारे को खाने के लिए वो एक ओमिशन हो गई इट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर टू और मोर एनएक्टमेंट सेम चीज को दो अलग एनेक्टमेंट ने पनिशमेंट दी है कि हमारे यहां पे ये चीज की ऐसी पनिशमेंट दूसरा बोलते हैं हाँ हमारे यहां भी वही काम करोगे तो ऐसी पनिशमेंट है यू कॉन्ट पनिश द पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस देन दे शाल बी लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड आइदर और अंडर एनी ऑफ दो या तो एक में या दूसरे कोई भी एक ही में आप पनिश कर सकते हो ही शेल नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस लास्ट पार्ट है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में कितने भी स्टार्स बना हुआ वो मुझे कम ही लगेंगे थ्योरी केस बेस्ड क्वेश्चन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता ही आता है सर्विस बाय पोस्ट अरे आजकल कौन भेजता है यार पोस्ट नहीं कंपनीज अभी भी भेजती है ना क्यों किसी ने ई मेल नहीं दिया हमको तो रेगुलर पोस्ट ही भेजना है नहीं वहां पे इंटरनेट uh, कनेक्शन नहीं है पोस्ट ही जाता है सिर्फ इफ देर इज सर्विस बाय पोस्ट तो हम कैसे मान के चले कि सामने वाले पार्टी ने करेक्टली वो लेटर पोस्ट किया है कि नहीं सपोज मैं एक कंपनी हूँ ठीक है मैं एक कंपनी हूँ मुझे रेगुलर पोस्ट से भेजना है लेट से टू माई मेम्बर्स और टू दी आर तो रेगुलर पोस्ट में मैंने बराबर से पोस्ट किया है कि नहीं कैसे समझेगा एक्ट ने तो लिख दिया सर्विस बाय पोस्ट करनी है आपको लेकिन वो पोस्ट बराबर से आपने किया है कि नहीं कैसे पता चलेगा बिकॉज

सामने वाले का नाम एड्रेस मैंने प्रॉपरली लिखा प्री पे मतलब स्टैंप मैंने भर दिया था सामने वाले को नहीं भरना था मैंने ही भर दिया था पहले ही रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो लॉ बोलते हैं यार सब कुछ तो ठीक लग रहा है लेटर कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट विल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड एट द टाइम व्हेन द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट अब ऑर्डिनरी पोस्ट अगर तीन दिन में मिल जाता है तो आपका रजिस्टर्ड पोस्ट भी तीन दिन में मिल ही जाएगा ना

नोटिस लगता है 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 क्लियर क्लियर डेज डेज होने चाहिए अब वो 21 हर के हर मेंबर लिए कैलकुलेट करोगे लॉ बोलता है कि अगर तुमने किया किया एड्रेस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया है, दो दिन के बाद आप मान के चलो मिल ही गया होगा और आप अपने ट्वेंटी कैलकुलेशन शुरू कर लेना वेर एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन रिक्वायर्स इंटेंशन सर्विस हम मान के चलेंगे कंपनी तो मैंने बराबर की है इफ यू हैव प्रॉपरली एड्रेस प्रीपेड पोस्ट अच्छा अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट थी यू शुड सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नोलेजमेंट ड्यू आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा एक्ट ने आपको एक्नोलेजमेंट ड्यू करने के लिए बोला था आपने साधिर सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा कैन वी से नहीं मैंने तो बराबर भेजा है क्या हम मान लेंगे इट इज प्रॉपरली सेंट बाय सर्विस ऑफ पोस्ट नहीं लॉ ने बोला था ना रजिस्टर्ड पोस्ट ड्यू आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजा इट इज नॉट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इट इज नॉट प्रॉपरली सेंट तो एक्ट जो बोलता है पहले वो मीडियम से भेजो नहीं है तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो हम मान के चलेंगे आपने प्रॉपरली पोस्ट कर दिया है तो स्टूडेंट इसी के साथ

नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगी विद द कंपनीज एक्ट दो ही लेक्चर मैंने प्लान किए हैं थोड़े एक्सटेंडेड रहेंगे लेकिन मैं तीन चार यूनिट्स एक साथ कवर करूँगी उसमें आई एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द आइकन ताकि आपको कंपनीज एक्ट के रिविजन का नोटिफिकेशन आ जाए